हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पूरी 12th क्लास की मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी की पूरी 12th क्लास के मैथ्स के फॉर्मुलेज कंप्लीट करने वाले हैं, तो मजा आने वाला है आपको। प्रश्नावली 1 से लेकर के 13 तक कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी रिवाइज हो जाएगी अभी के अभी, ठीक है। तो ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि एग्जाम पास में है, टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 1 से शुरू करने वाले हैं, संबंध एवं फलन। एक एक प्रश्नावली को मैं इस तरह से लेने वाला हूं और कुछ मैं लिखूंगा, कुछ मैं लिख करके लेकर के आया हूं, वो डिपेंड करेगा किस तरह की प्रश्नावली है, तो उसके हिसाब से अपन करते चलेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है कि 2 घंटे में शायद हो जाना चाहिए। बाकी शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं क्या टाइम लगेगा। सबसे पहला है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार हमारे पास 3 होते हैं, सबको पता है। सबसे पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। एक हमारे पास होता है सममित संबंध, सममित संबंध आपको याद आ रहा होगा। और तीसरा हमारे पास था संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या खास बात थी, यहां पर था कि a, a बिलोंग्स टू r होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये हमारे पास स्वतुल्य में कि खुद का खुद से रिफ्लेक्शन मिल जाना चाहिए। सममित में हमने क्या सीखा था, सममित संबंध में हमने सीखा था कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है, अगर ऐसा है तो दैट इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r मिलेगा किसी भी हालत में। अगर ऐसा है तो ऐसा मिलेगा। ऐसे नेक्स्ट संक्रामक संबंध में हमने क्या सीखा था कि a, b बिलोंग्स टू r है तथा b, c बिलोंग्स टू r है, तो मान के चलो a, c बिलोंग्स टू r मिलने वाला है। ये हमारा संक्रामक संबंध है कि b से b उड़ गया, a और c का आपस में कनेक्शन हो गया। और स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध अगर तीनों एक साथ हो जाएं किसी भी रिलेशन में तो उसको तुल्यता संबंध बोला जाता है, तुल्यता संबंध बोला जाता है। अगर कोई स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों एक साथ है कोई संबंध, तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध बोलते हैं। और ये संबंधों के टोटल 4 प्रकार हैं, मेन तो आप कह सकते हो कि 3 ही प्रकार के संबंध हैं। ये अपनी 1.1 प्रश्नावली में था। उसके बाद 1.2 प्रश्नावली में कुछ फलनों के प्रकार थे। फलनों के प्रकार में सबसे पहला हमने सीखा एकैकी फलन। एकैकी फलन का मतलब यह है कि एक का एक से ही कनेक्शन होना चाहिए, दो लोगों का किसी एक से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मैनी टू वन नहीं होना चाहिए, एक का एक से कनेक्शन होना चाहिए। मतलब यदि f ऑफ एक्स वन बराबर है f ऑफ एक्स टू के, एक एक ही फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि यदि f ऑफ एक्स वन बराबर है f ऑफ एक्स टू के, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्स वन बराबर होना चाहिए एक्स टू के। ये एक एक ही फलन की डेफिनेशन थी, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बहुएकी फलन। बहुएकी फलन, बहुएकी फलन का मतलब बस यही है कि जो एकैकी नहीं है वो बहुएकी है। सिंपल सी बात है, बहुएकी में कुछ खास नहीं है, जो एकैकी नहीं है वो बहुएकी है। मतलब यदि यदि आपको बोला गया है कि f ऑफ x1 बराबर में है f ऑफ x2 के, और आप कहो कि x1 तो बराबर नहीं है लेकिन x2 के, तो फिर उस केस में बहुएकी फलन हो जाता है। और अगर x1 बराबर है x2 के तो वो एकैकी फलन होता है। ये अपन ने डिटेल में सीखा है, लॉजिक के साथ सीखा है। आज केवल फॉर्मूला अपन ऊपर से मोटा मोटा तौर पे रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, ये ताकि पूरी बुक अपने पास रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर है हमारे पास एकैकी बहुएकी के बाद में आच्छादक फलन। आच्छादक फलन का मतलब है कि जहां पर परिसर और सहप्रांत बराबर हो जाए उसको आच्छादक फलन बोलते हैं। जहां पर परिसर और सहप्रांत, अगर आपका परिसर बराबर ही हो जाए सहप्रांत के, तो इसका मतलब है वो आच्छादक फलन है। मतलब परिसर में कोई भी अवयव, सहप्रांत में कोई भी अवयव छूट नहीं रहा जिसकी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। सभी सहप्रांत के अवयवों का अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो हम उसको आच्छादक फलन बोलते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद आता है अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन जो आच्छादक नहीं है वो अंतरक्षेपी है। मतलब जिसमें परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर नहीं है, सहप्रांत अगर बड़ा है परिसर से तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि वो अंतरक्षेपी फलन है। सिंपल सी ये डेफिनेशन है इन चारों की। एक पांचवा आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी वैसे कुछ डिफाइन करने जैसा नहीं है। वो है एकैकी आच्छादी फलन।
एकाई की अच्छादी का मतलब कोई फलन एकाई की भी है और अच्छक तक भी है तो उसको एकाई की अच्छा तक बोल देते हैं, और कुछ खास बात नहीं है उसमें। तो ये है संबंधों के प्रकार, ये है फलनों के प्रकार, बेसिक डेफिनेशन इनकी ये है मैथमेटिकल, इस तरह से इनको लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है फॉर्मुलेज बनकर के, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फलनों का संयोजन देख लेते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है हमारे को। मान लीजिए दो फलन है आपके पास में एफ एक्स तथा जी एक्स, दो फलन है एफ एक्स तथा जी एक्स, इनका चार तरह से संयोजन किया जा सकता है। एक होता है एफ ऑफ जी एक्स, चार पैटर्न का संयोजन इनमें संभव है। दूसरा संयोजन है g ऑफ एफ एक्स, तीसरा संयोजन होता है f ऑफ एफ एक्स, और चौथा संयोजन होता है g ऑफ जी एक्स। ये चार प्रकार के संयोजन हो सकते हैं एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फलनों के लिए। और इसमें एक और खास बात है, अगर इसका इन्वर्स निकालना चाहो, हालांकि व्युत्क्रमणीय फलन तो उधर आएगा, लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूं क्योंकि आता तो है ही आप लोगों को, रिविजन ही चल रहा है वैसे भी, तो आगे का पार्ट मिक्स भी करके बताया जा सकता है। अगर यहां पर एक फॉर्मूला अपन लिखें तो एफ ऑफ जी का ओवरऑल इनवर्स अगर निकालें, व्युत्क्रमणीय फलन अभी उधर पड़ेंगे, लेकिन एफ ऑफ जी का अगर ओवरऑल इनवर्स निकालें तो वो जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के बराबर आता है, उल्टा हो जाता है। ये एफ ऑफ जी का ओवरऑल इनवर्स जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के बराबर होता है। आप नोटिस करेंगे कि मैट्रिक्स में भी इस तरह के कुछ कुछ फॉर्मुलेज हैं, जैसे एक फॉर्मूला है ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स लेना है तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर आता है। एक फॉर्मूला है वहां पर ए बी दो मैट्रिक्स हैं उनका अगर ट्रांसपोज ले रहे हो तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो कहने का मतलब इकट्ठा दो चीजों का अगर आप एक साथ कुछ ले रहे हो तो हर जगह क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। यहां पर जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स हो रहा है, यहां बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो रहा है, यहां बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो रहा है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि मैक्सिमम केसेस में इनवर्स में ट्रांसपोज में इन सब में रिवर्स हो जाता है कार्यक्रम, है ना। तो ये इस तरह से याद रखने की चीज है, आ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन करके। व्युत्क्रमणीय फलन किसको बोलते हैं, जिसका व्युत्क्रम परिभाषित हो उसको व्युत्क्रमणीय फलन बोला जाता है। किसका व्युत्क्रम परिभाषित होगा, जो फलन एकाई की तथा आच्छादक है, तथा आच्छादक दोनों है, एकाई की तथा आच्छादक दोनों है, उसी का व्युत्क्रम परिभाषित है। व्युत्क्रम फलन परिभाषित होता है, उसी का व्युत्क्रम फलन परिभाषित होता है, बाकी किसी का व्युत्क्रम फलन परिभाषित नहीं होता है, कुछ खास बात नहीं है। और केवल जो फलन एकाई भी है और आच्छादक भी है दोनों है, केवल उसी का व्युत्क्रम फलन परिभाषित होगा, बाकियों का व्युत्क्रम फलन हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते, होता ही नहीं है उनका व्युत्क्रम फलन। तो व्युत्क्रम फलन में कुछ खास बात नहीं है। एक छोटी सी चीज और है कि अगर g और f का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, g o f x बराबर x आ जाए, g o f x निकालें मतलब फॉग निकालें और गॉफ निकालें, दोनों ही परिस्थितियों में अगर x के बराबर आ रहा है, यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि जी व एफ दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन हैं। ये हमने सीख लिया एक तरीके से, अगर जी और एफ दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है, वो कैसे, जी ओ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है। यहां पर और कोई खास बात नहीं है। तो व्युत्क्रमणीय फलन में इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्चुअली, इसको भी ध्यान रखना है, ये काफी ज्यादा काम आता है व्युत्क्रम निकालने के केस में या किसी को साबित करने के केस में कि व्युत्क्रम है कि नहीं है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें एक टॉपिक और है, केवल 1.4 प्रश्नावली का ये एक टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं है, बहुत सारों के है, एक बार देख लो, 5 मिनट का ये, कुछ खास नहीं है। द्विआधारी संक्रियाएं किसको बोला जाता है, द्विआधारी संक्रियाएं हम लोग कह सकते हो कि स्टार द्विआधारी संक्रिया होती है, अगर इसको एक फलन के रूप में इस तरह से परिभाषित कर दें कि ये ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित होता है, मतलब द्विआधारी संक्रियाएं उसको बोला जाता है बेसिकली, ये कह सकते हो आप कि एक के ही दो अवयवों को उठाया, उनमें संक्रिया लगा दी
और वापस से ए का ही अवयव आ गया तो हम कहेंगे कि स्टार जो है वो द्विआधारी संक्रिया है और कोई बात नहीं है यहां पर। इसके बाद में द्विआधारी संक्रियाओं में मोटे मोटे तौर पर चार मेन टॉपिक्स हैं। पहला है क्रम विनिमेयता, ठीक है। दूसरा टॉपिक है साहचर्यता। तीसरा टॉपिक है तत्समक अवयव। और चौथा टॉपिक है प्रतिलोम अवयव। ये मेन चार ही टॉपिक हैं इसमें। इन चारों की डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। क्रम विनिमयता केवल यहां की बात नहीं है, हमेशा ही क्रम विनिमयता का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान होना। मतलब अगर ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, तो आप बोलते हो कि ठीक है वो क्रम विनिमय है अगर ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। ऐसे ही साहचर्यता, जिसने ये पढ़ा है उसी को समझ में आएगी, बाकी लोग ज्यादा टेंशन ना लें, जिनके सिलेबस में नहीं है अपन इससे आगे बढ़ ही रहे हैं अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साहचर्यता का मतलब है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी के। ये साहचर्यता का बेसिक मीनिंग होता है। ऐसे ही तत्समक अवयव की मैं बात करूं, अगर तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव वैसे ई से लिखते हैं हम लोग, ई से लिखा जाता है, स्टैंडर्ड माना हुआ है कि ई से लिखेंगे अपन इसको। तत्समक अवयव होता है कि ऐसा अवयव है जिसके साथ संक्रिया लगाने पर कोई चेंज ना हो, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए, साथ में ई स्टार ए भी ए के ही बराबर आ जाए, तो फिर इस केस में ई को तत्समक अवयव बोलते हैं। तत्समक अवयव ऐसा अवयव है जिसके साथ संक्रिया लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब ए के साथ ई की संक्रिया लगाने पर ए ही आ गया वापस से, ई के साथ ए को लगाने पर भी ए ही आ गया, उल्टा सीधा समान ही चल रहा है मामला, ए ही आ रहा है दोनों केसेस में, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ए के साथ ए को लगाने का, तो वो तत्समक अवयव है। प्रतिलोम अवयव केवल उनका ही परिभाषित कर सकते हो जिनका तत्समक अवयव परिभाषित है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव में इसकी जरूरत पड़ती है, ई की जरूरत पड़ती है। प्रतिलोम अवयव को वैसे कोई स्पेशल नाम नहीं है कि किससे परिभाषित करते हैं, इसको तो ई से कहते हैं, इसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि किससे कहते हैं। मैं फिलहाल प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स कह रहा हूं, ए इनवर्स, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है मान लेते हैं एक बार के लिए, या फिर आप मान लो ए इनवर्स ना कह करके हम उसको एक्स बोल देते हैं, एक ही बात है, एक्स बोल देते हैं चलो। तो ये होता है कि किसी अवयव को उसके प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है हमेशा। किसी भी अवयव को उसके प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए व एक्स एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं। कौन? ए और एक्स, ये एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं। इससे ये स्पष्ट होता है प्रतिलोम तो एक दूसरे के होंगे हमेशा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो द्विआधारी संक्रियाओं में और कुछ खास नहीं है, द्विआधारी संक्रियाओं को स्टार से लिखते हैं। कुछ कुछ बुक्स में किसी किसी क्वेश्चन में गोले से दिखा देगा, यू से दिखा देगा, किसी भी चीज से दिखा देगा, कुछ फिक्स नहीं है कि किससे लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में स्टार से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये 1.4 प्रश्नावली में हम लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला चैप्टर है हमारा प्रश्नावली 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें मैं कुछ कुछ फॉर्मूले लिख करके लेके आया हूं ताकि समय अपना थोड़ा सा बच जाए। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, ये 6 प्रतिलोम फलन है हमारे पास में। इनके प्रांत और परिसर अपने को पता होने चाहिए। देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि तीन लोगों के प्रांत तो यहां से यहां तक होते हैं, मतलब माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के प्लस का पाई बाई 2 होता है तीन लोगों का। कौन कौन है उन तीन लोगों में? उन तीन लोगों में आपको मिलेंगे ये व्यक्ति, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति। साइन इनवर्स मिलेगा, टेन इनवर्स मिलेगा और कोसेक इनवर्स मिलेगा। इन तीनों के मतलब आप ऐसे याद रखो 245 का अलग पैटर्न चलता है, 245 का पैटर्न ये चलता है, यहां से यहां तक उनका परिसर होता है। परिसर बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना, प्रांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परिसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिसर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे, है ना, तो इसलिए परिसर जानना बहुत जरूरी है इसमें। जीरो से लेकर के पाई तक परिसर होता है कुछ कुछ लोगों का, कुछ कुछ लोगों में कौन कौन शामिल है उसमें, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और पांचवे नंबर पे जो आ रहा है वो शामिल है। दूसरे नंबर पे कौन है? कॉस इनवर्स। चौथे नंबर पे कॉट इनवर्स। पांचवे नंबर पे सेक इनवर्स। ये तीनों सेम पैटर्न पे चलते हैं, बाकी तीनों सेम पैटर्न पे चलते हैं। तो साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, टेन इनवर्स का भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2,
और यहां पर एक छोटा सा ध्यान देने की बात है कि ठीक है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में माइनस पाई बाई टू ऊपर नहीं ले सकते, है इनफाइनाइट बन जाता है उसमें, ठीक है वो देख लेना आप लोग। सेक इनवर्स का होता है, सॉरी कोसेक इनवर्स का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, लेकिन जीरो हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जीरो क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि सेक इनवर्स में कभी जीरो बनता ही नहीं है, कभी आएगा ही नहीं कोसेक इनवर्स में, सॉरी सेक इनवर्स में क्या, कोसेक इनवर्स में जीरो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पर माइनस जीरो कर देते हैं। सेम ऐसे ही आप तीनों के पैटर्न देखोगे, कॉस इनवर्स के, कॉट इनवर्स के और सेक इनवर्स का पैटर्न देखोगे तो सिमिलर पैटर्न ही चल रहा है। यहां पर ओपन आ जाता है, वैसे तो इसको ओपन कर लेना, बाकी सब सही है यहां पर, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो, बाकी सब ये सब छोड़ो, ये सब जो भी चल रही है वो सब छोड़ो, आप तो ऐसे ध्यान रखो 245 में जीरो से पाई का फॉर्मेट चलता है लगभग लगभग, और बाकी के तीन में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का फॉर्मेट चलता है लगभग लगभग, जिसमें जो परिभाषित नहीं है उसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे जीरो पे परिभाषित नहीं है तो उसको हटा दिया, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में परिभाषित नहीं है, कॉट इनवर्स जीरो से पाई में परिभाषित नहीं है तो उसको हटा दिया वहां पर। तो इस तरह से बाकी की चीजों को हम लोग हटा देते हैं, हल्का फुल्का ये दिमाग में रहेगा तो आगे के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। विविध में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड। अब यहां पर ये छह क्वेश्चन, छह फॉर्मुलेज बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आप 2.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हो तो वहां पर बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यार साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव कुछ आ गया तो क्या करें, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या करें, टेन इनवर्स में आ गया, कॉट इनवर्स में आ गया, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में नेगेटिव कुछ आ गया तो क्या करना है। तो यहां पे ध्यान देने वाला फॉर्मेट है, आप वही सेम ध्यान रखो, 245 का सेम पैटर्न का बिहेवियर होता है और इनका सेम पैटर्न का बिहेवियर होता है। मुझे तो 245 नंबर याद रख रखा है मैंने, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, मतलब ये 2, 4 और ये 5 है, इन तीनों में पाई माइनस आता है, बाकियों में सिंपल माइनस आएगा। आप देखो बाकियों में, बाकियों में सबसे पहले तो साइन की बात करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस बार आ गया, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस बार आ गया, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस बार आ गया, बाकी सब में माइनस बार आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा में यहां पर पाई लग जा रहा है, बस एक्स्ट्रा में यहां पाई लग रहा है इन तीन में, बाकी सब में माइनस का बाहर आना तो तय ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो ये बड़े काम आते हैं 2.1 प्रश्नावली के, अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ खास फॉर्मुलेज हैं, ये कहीं भी किसी भी तरह 2.2 विविध में कहीं भी काम आ सकते हैं, कि साइन इनवर्स के अंदर 1/x है तो कोसेक इनवर्स, क्योंकि साइन और कोसेक का व्युत्क्रम वाला रिलेशन होता है, तो साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x के बराबर, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स, कॉस और सेक का आपस में रिलेशन है, देखो साइन और कॉस 1/x से कनेक्टेड है तो कोसेक भी ऐसे ही आएगा, साइन और कोसेक सेम है, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x है तो कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x है तो सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x है, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये सिंपल छह फॉर्मुलेज का फॉर्मेट है, और भी कुछ कुछ फॉर्मुलेज हैं वो मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। तीन स्पेशल फॉर्मेट हैं, एक है कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो पाई बाई टू के बराबर होता है, एक टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का भी कॉम्बिनेशन पाई बाई टू के ही बराबर होता है, एक और है वो है सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का भी कॉम्बिनेशन जो है पाई बाई टू के बराबर होता है। ये बड़े खास सूत्र हैं, तीनों के तीनों बड़े काम आते हैं, कभी कभी बहुत काम आ जाते हैं। और कुछ सूत्र देख लेते हैं हम लोग, दो सूत्र बहुत खास है, एक है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का तो मेन सूत्र वैसे ये चलता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, वैसे मेन सूत्र यही है, लेकिन दो फॉर्मेट्स में ज्यादा काम आ जाता है ये, वैसे तो तीन सूत्र होते हैं इसके लेकिन मैं दो ही बता रहा हूं क्योंकि अपने ज्यादातर दो ही काम आते हैं। एक तो ये आंसर आता है इसका सिंपल में कि टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, एक इसका आंसर आ जाता है पाई प्लस में, ये सारा का सारा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, और ये आंसर आता है अपना जब एक्स इंटू वाई जो है वो 1 से छोटा हो, और ये आंसर आता है अपना जब एक्स इंटू वाई 1 से बड़ा हो, 1 से भी बड़ा है एक्स इंटू वाई तो ये नेगेटिव में जाएगा, और साथ में एक्स भी 0 से बड़ा है वाई भी 0 से बड़ा है तो उस केस में ये पाई प्लस बन करके आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ध्यान से देखना है अपने को, मतलब इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को, नीचे वाला भी बहुत काम आ जाता है, जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं अलग लेवल का भी पेपर बनता है, थोड़ा हार्ड पेपर बनता है तो काम आएगा, कहाँ नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। एक सूत्र है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, वो कुछ विशेष उसमें 2-3 फॉर्मेट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिंपल एक फॉर्मेट आप याद रखो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy होता है इसका सूत्र,
माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसे ध्यान रहेगा अपने को। तो ये कुछ फॉर्मुलेस थे। इसके बाद कुछ कुछ सूत्र और हैं, वो देखिए किस तरह के सूत्र हैं, उसको भी एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो कुछ सूत्र इस तरह के हैं कि जैसे मान लीजिए 2 tan inverse x की अगर बात चल रही है, 2 tan inverse x के तीन सूत्र बनते हैं, तीन सूत्र हैं 2 tan inverse x के। एक सूत्र होता है साइन इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में भी चाहो तो बना सकते हो, कॉस इनवर्स के रूप में भी होता है और टेन इनवर्स के रूप में भी होता है। 2 tan inverse x के तीन फॉर्मेट्स हैं। साइन इनवर्स में लेके जाओ तो ये बनता है 2x upon 1 minus x square, 1 plus, सॉरी, कॉस इनवर्स में जाओ तो 1 minus x square upon 1 plus x square, और टेन इनवर्स में कहो तो 2x upon 1 minus x square यहां पर होता है। तो 2 tan inverse x के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, ये तीन फॉर्मेट्स बड़े काम के हैं, इनको ध्यान रखना है अपने को। और कुछ तीन चार फॉर्मेट्स और हैं। एक है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई का सूत्र। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है, साइन इनवर्स याद रखना है इसको बच्चों, एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस में वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र है। इसी में अगर हम लोग यहां माइनस लगा दें, अगर इस जगह माइनस आ जाएगा तो ये मान के चलो यहां माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है सूत्र में। बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक जगह अगर माइनस आ गया तो इधर भी माइनस ही आएगा, इधर प्लस चल रहा है तो इधर भी प्लस ही चलेगा, ये सूत्र है खास। तो दो सूत्रों को एक साथ ही लिख दिया मैंने एक तरीके से। सेम ऐसे ही अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई जो है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यहां प्लस के साथ माइनस का कॉम्बिनेशन चलता है, यहां प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस है, यहां उल्टा है, प्लस के साथ माइनस आएगा, 1 minus x square का अंडर रूट और 1 minus y square का होल अंडर रूट यहां पर बनेगा। ये कॉस इनवर्स के अंदर बन रहा है जो भी बन रहा है, ठीक है यहां तक? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर यहां पर माइनस आ गया तो यहां पर आप प्लस लिख लेंगे, बस इतना ही चेंज है। तो ये दो फॉर्मेट्स और अपने को विशेष तौर पर ध्यान देने थे। अब बनाने को तो और भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। देखो 3x वाला भी बनाया जा सकता है, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे ज्यादा काम आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और 11वीं के ट्रिग्नोमेट्री के दो तीन फॉर्मुलेस खास हैं, वो ना पढ़े तो फिर बात ही नहीं बनेगी। तो वो भी फॉर्मुलेस आपको ध्यान रखने हैं। जैसे साइन थीटा का सूत्र होता है 2 sin theta by 2 cos theta by 2, हाफ एंगल फॉर्मुला है। ऐसे ही एक सूत्र याद रखना है 1 plus cos theta, वो होता है 2 cos square theta by 2, और एक आपको याद रखना है 1 minus cos theta, वो होगा 2 sin square theta by 2। ये हमारे पास कुछ तीन फॉर्मुलेज हैं जो 11वीं क्लास के कुछ ज्यादा ही काम आते हैं, इसलिए मैंने लिख दिए। बाकी तो और भी बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं जो काम आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल यही काम आएंगे, हैं और भी, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा काम आते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। अब हम लोग नया चैप्टर शायद शुरू कर रहे हैं, थर्ड नंबर चैप्टर, आव्यूह के बारे में बात करेंगे। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? समस्या तकलीफ आने पर आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मैं देखूंगा कमी चैट्स आप लोगों की, ताकि समय बचे, थोड़ा सा फास्ट हो जाए काम अपना, इसलिए मैं चैट्स थोड़ी सी इग्नोर ही कर रहा हूं आज, ज्यादा नहीं देख रहा हूं चैट्स को। लेकिन हाँ ठीक है, अगर देख पाया तो ठीक है, बाकी फॉर्मुलेज हैं, पढ़ाया हुआ तो है ही, ऐसा नहीं है कि पहली बार चल रहा है अपना, तो आप लोगों को आता होगा। देखो आव्यूह की परिभाषा क्या है, संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास होता है आव्यूह, और कुछ नहीं है। क्या है? संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास है ये, मतलब रेक्टेंगल की फॉर्म में कुछ बनेगा वही है, उसमें संख्याएं वगैरह लिखी रहेंगी, सिस्टमेटिक जमी रहेंगी, उसको हम लोग आव्यूह बोलते हैं। नेक्स्ट बात है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि को लिखा जा, आव्यूह की कोटि होती है m इंटू n। यहां पर m तो है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या है, और n है यहां पर स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ये हमारे पास n है। आव्यूहों की समानता का मतलब यह है कि दो आव्यूह कब समान होंगे, दो आव्यूह समान होने का मतलब यह है ये बराबर कब होंगे इसके, तब होंगे जब एक तो इनकी कोटि बराबर हो। आव्यूहों की समानता में सबसे पहले कोटि बराबर होनी चाहिए, तब समान आव्यूह होते हैं। मतलब या कह लो कि आव्यूह समान होते हैं तो क्या होता है, कोटि बराबर होती है, साथ में जो संगत अवयव है वो बराबर होंगे। ये इसके बराबर हो जाएगा,
सेकंड वाले के बराबर हो जाएगा, थर्ड वाले के बराबर, फोर्थ वाले के बराबर। कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, एक तो उसकी कोटि बराबर होगी तभी वो समान अवयव है। दूसरा क्या कहानी चलेगी कि संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव समान होंगे या बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवयव का परिवर्त पे आ जाते हैं। अवयव का परिवर्त क्या होता है? अवयव का परिवर्त होता है, देखो पंक्तियों को स्तंभ से और स्तंभ को पंक्तियों से अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें तो वो परिवर्त कहलाता है। पंक्ति को स्तंभ से और स्तंभ को पंक्ति से अगर अपन चेंज कर देते हैं तो वह अवयव का परिवर्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 माइनस छोड़ो, सिंपल चलने दो 0 4 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज, परिवर्त को हम लोग लिखते हैं ट्रांसपोज से, अवयव का परिवर्त या तो ए का ट्रांसपोज या फिर उसको लिखते हैं ए डैश से। ये दोनों ही अवयव के परिवर्त को लिखने के तरीके हैं और कोई बात नहीं, लिखने के तरीके हैं खाली, है ना। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इस केस में, ये जो पंक्ति है 1 2 3 ये स्तंभ बन जाएगी, ये जो पंक्ति है 0 4 9 ये भी स्तंभ बन जाएगी। ये अवयव का परिवर्त होता है और कुछ खास बात नहीं है। अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म भी हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। क्या क्या गुणधर्म है? सबसे पहला गुणधर्म तो होता है कि दो बार अगर आपने परिवर्त ले लिया तो वही सेम अवयव रिपीट हो जाएगा। ए डबल डैश जो है ए के ही बराबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गुणधर्म है कि अगर ए प्लस बी का डैश निकाल रहे हो तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आ जाता है। मतलब पहले प्लस करके डैश निकालो या अलग अलग डैश निकाल करके प्लस कर दो, डैश मतलब परिवर्त निकाल करके प्लस कर दो, बात बराबर है। ऐसे ही अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई करें ए को और फिर उसका ट्रांसपोज लें, या इसका ट्रांसपोज लेकर के कैसे मल्टीप्लाई करें, बात बराबर आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथी वाली है कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखा जाता है। ये खास है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है यार, क्या लिखें, ए डैश बी डैश लिखें कि बी डैश ए डैश लिखें। इसलिए थोड़ा सा खास तौर पे इसका ध्यान रखना है और कोई बात नहीं है। तो ये अवयव का परिवर्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अवयव का परिवर्त दो बार कैसे आ गया भाई, अवयव का परिवर्त दो बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है, यहां पर अपन ने कर लिया अवयव का परिवर्त। अब सममित तथा विषम सममित अवयव पर आ जाते हैं हम लोग। सममित और विषम सममित अवयव में दो चीजें हैं, एक तो सममित अवयव है। देखो सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव उसको बोलते हैं जिस अवयव का परिवर्त उसी के बराबर आ जाए उसको सममित अवयव बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है, अवयव का परिवर्त निकाला आपने उसी के बराबर आ गया, कोई चेंज ही नहीं हुआ, उसको सममित अवयव बोल देते हैं हम लोग। विषम सममित अवयव किसको बोलते हैं, विषम सममित अवयव बोला जाता है किसको, अगर आपने परिवर्त निकाला और वो माइनस ए के बराबर आ गया, मतलब जो आपका मैट्रिक्स है उसके माइनस के बराबर आ गया, तो उसको हम लोग विषम सममित अवयव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं समझ गया, अवयव का परिवर्त तो यही था, यहां पर था अवयव के वो क्या बोलते हैं उसको, जोड़ बाकी गुणा भाग, संक्रियाएं, अवयव की संक्रियाएं थी यहां पर, अब यहां मिस हो गई है तो इधर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। खैर सममित अवयव और विषम सममित अवयव आप लोग समझ गए होंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव। मान लो ए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ये दो प्रमेय आपके पास दे रखी थी, ए कोई अवयव है, ए कोई वर्ग अवयव है, बेसिकली ए कोई वर्ग अवयव है। उस केस में ए प्लस ए डैश कभी भी निकालोगे ना, किसी भी अवयव को उसके परिवर्त से जोड़ोगे और किसी भी अवयव को उसके परिवर्त से घटाओगे तो जोड़ने पर हमेशा सममित अवयव मिलेगा आपको, हमेशा सममित अवयव ही मिलेगा, और घटाने पर हमेशा विषम सममित अवयव ही मिलने वाला है, विषम सममित अवयव ही मिलेगा। ये एक प्रमेय रखी है हमारे, अपन ने प्रूव भी करी थी कि एक अवयव है कोई भी वर्ग अवयव है, उसको इसके ट्रांसपोज से जोड़ दोगे तो सममित अवयव मिलेगा रिजल्ट में, और उसके ट्रांसपोज से घटा दोगे, इनवर्स लिख दिया मैंने गलती से, उसके ट्रांसपोज से अगर घटा दोगे तो हमेशा विषम सममित अवयव ही मिलेगा। एक और प्रमेय थी कि कोई भी अवयव है ए, वर्ग अवयव ए को सममित अवयव
तथा विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है भाई? किसी भी आव्यूह को सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखो, a बराबर हो जाएगा 1 बाई टू टाइम्स a प्लस a डैश, ये एक आव्यूह हो गया, और 1 बाई टू टाइम्स a माइनस a डैश, ये एक दूसरा आव्यूह हो गया। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल फॉर्मूला बन गया कि कैसे हम लोग दो रूप में लिख सकते हैं इसको। अब आव्यूह पर संक्रियाएं देख लो, ये परिवर्त नहीं है, ये संक्रियाएं हैं। आव्यूह पर संक्रियाएं पिछले पेज पे थी वैसे तो, लेकिन स्प्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं। आव्यूह पर संक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं? पहली संक्रिया होगी योगफल की, दो आव्यूहों का योगफल, दो आव्यूहों का योग करोगे, वो तो आप जानते ही हो कैसे करना है, सिंपल जुड़ जाते हैं। दो आव्यूहों का व्यकलन करोगे, व्यकलन मतलब अंतर, मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन। तीसरा है आव्यूह को किसी अदिश से गुणा करना, अदिश मतलब किसी भी संख्या से गुणा कर दिया किसी आव्यूह को, जैसे 3, 5, 2 - 9 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सारे अवयव 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 6 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा माइनस का। ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा इस तरह का जो भी है। तो किसी भी अवयव को किसी अदिश से गुणा करने पर सारे अवयव गुणा हो जाते हैं, और कोई खास बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है दो अवयवों का गुणन, दो अवयवों का गुणन। अब गुणन में क्या खास बात है? गुणन में यह खास बात है कि आव्यूह का जब गुणन करते हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं होता है, मतलब बी ए और ए बी बराबर नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, ए को बी से गुणा करो, बी को ए से गुणा करो, अलग अलग आता है यहां पर। दूसरी खास बात, जब आप ए को बी से गुणा कर रहे हो और मान लो ए की मैट्रिक्स है एम इंटू एन की, और मान लो बी की मैट्रिक्स है पी इंटू क्यू की, और रिजल्ट आ रहा है सी मैट्रिक्स इसके मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई केवल तब संभव है जब इधर तो m इंटू एन है, इधर n इंटू पी है, मल्टीप्लाई केवल, सॉरी p इंटू क्यू है, यहां पर p इंटू क्यू है, मल्टीप्लाई केवल तब संभव है जब ये दोनों बराबर हो जाएं, मतलब n बराबर p होना जरूरी है, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो रिजल्ट आएगा सी मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स का जो कोटि है वो है एम इंटू क्यू, एम इंटू क्यू इसकी कोटि है सी मैट्रिक्स की। इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का हिसाब किताब होता है भैया। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे आ जाते हैं फटाफट से, ज्यादा समय लगाए बगैर फटाफट नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। तीन तरह की संक्रियाएं आव्यूह पर की जा सकती है। पहली संक्रिया, किसी भी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से आप बदल सकते हो। ये स्तंभ पे भी है कि किसी स्तंभ को आप दूसरे स्तंभ से बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी संक्रिया, किसी भी पंक्ति को आप किसी संख्या से गुणा कर सकते हो, वो संख्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, गुणा भाग कर सकते हो, मतलब किसी स्तंभ को भी कर सकते हो किसी संख्या से गुणा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आई आएगा, जे नहीं बनेगा, सॉरी, है ना। आई का मतलब, आई और जे का मतलब अलग अलग, एक पंक्ति आई वाली है, एक पंक्ति जे वाली है, एक दूसरे को बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये इंटरचेंज का साइन होता है, आप लोगों को खैर पता ही होगा, रिविजन चल रहा है वो तो। अब तीसरी संक्रिया होती है कि किसी भी पंक्ति में उस पंक्ति को किसी और पंक्ति के साथ गुणा करके जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। किसी भी स्तंभ में, उस स्तंभ में मतलब किसी भी दूसरी स्तंभ को जोड़ा घटाया जा सकता है, किसी संख्या से गुणा करके भी जोड़ा घटाया जा सकता है, और नॉर्मल भी जोड़ा घटाया जा सकता है। ये तीन तरह की प्रारंभिक संक्रियाएं थी आव्यूह पर, तीन ही फॉर्मेट्स की थी और कुछ नहीं थी इसमें से। या तो हम लोग
पंक्ति वाली ध्यान रखते हैं या फिर हम स्तंभ वाली ध्यान रखते हैं? हमने सारे क्वेश्चंस वैसे पंक्ति से किए थे, तो सारे क्वेश्चंस केवल पंक्ति को ध्यान रखोगे तो भी हो जाएंगे, स्तंभ को ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको बोलते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह उसको बोलते हैं जिसका व्युत्क्रम परिभाषित हो। व्युत्क्रम कैसे निकलता है? अगर आपको ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर आ जाए, बी और ए का प्रोडक्ट भी आई के बराबर आ जाए, तो आप कह सकते हो आई के बराबर है तथा बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना आप लोगों को, तत्समक आव्यूह 1000001, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आई आ रहा है, बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आई आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह हैं, व्युत्क्रम आव्यूह हैं, ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंक्लूजन आता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह का। ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट है, नेक्स्ट फोर्थ वाले चैप्टर पे आ जाते हैं फटाफट से। फोर्थ, अच्छा इसमें अभी बचा हुआ है आव्यूह के प्रकार बचे हुए हैं, कुछ प्रकार हैं फटाफट से देख लेते हैं, इतने कुछ खास नहीं है इसमें। एक तो होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब एक पंक्ति होगी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं फटाफट से, एक ही पंक्ति होगी, स्तंभ कितने भी हो, एक दो तीन स्तंभ है, दो स्तंभ है, एक स्तंभ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंक्ति एक होगी बस। स्तंभ आव्यूह का मतलब एक स्तंभ होगा, पंक्ति कितनी भी हो, एक स्तंभ होगा, पंक्ति कितनी भी हो, एक स्तंभ होगा, पंक्ति कितनी भी हो, उससे मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, मतलब तीन पंक्ति है तो तीन ही स्तंभ हो जाए, दो पंक्तियां हैं तो दो स्तंभ हो जाए, जैसे ये दो पंक्ति तो दो स्तंभ 2x2 की, ये तीन पंक्ति तो ये तीन स्तंभ 3x3 की। अब वर्ग आव्यूह में क्योंकि पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते कि ये 2x2 का आव्यूह है, इसको पढ़ते हैं कोटि 2 का वर्ग आव्यूह है ये, और ये कोटि 3 का वर्ग आव्यूह, कोटि 3 बोल देते हैं क्योंकि 3x3 है, पता है दोनों के दोनों 3x3 होंगे, अगर वर्ग आव्यूह है तो दोनों सेम ही होंगे, तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कोटि 3 का वर्ग आव्यूह, कोटि 2 का वर्ग आव्यूह, सिंपल सी बात यह है। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह उसको बोलते हैं जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी सब जीरो हो जाते हैं, जैसे विकर्ण पे बचे, विकर्ण पे अवयव बच रहे हैं, बाकी सब जीरो हो रहे हैं, इधर वाला जीरो, इधर वाला जीरो, इधर वाले जीरो, उधर वाले जीरो, ये विकर्ण नहीं माना जाएगा, विकर्ण उसी इस वाली डायरेक्शन को ही विकर्ण माना जाता है, हमेशा ध्यान रखना, इसी वाली डायरेक्शन को विकर्ण माना जाता है और किसी डायरेक्शन को, मतलब इधर वाली डायरेक्शन को विकर्ण नहीं माना जाता, तो ये विकर्ण आव्यूह नहीं है, ये दोनों विकर्ण आव्यूह हैं, केवल ये वाली डायरेक्शन ही विकर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसको छोड़ो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव भी सेम आ जाए सारे के सारे। यहां तो क्या था कि विकर्ण पे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अलग अलग भी आ सकते हैं। अदिश आव्यूह वो होता है कि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव अगर सेम हो जाए तो उसको अदिश आव्यूह बोल देते हैं, और अदिश आव्यूह में या विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सारे अवयव वन हो जाएं, विकर्ण के सारे अवयव वन हो जाएं तो उसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, उसको आई से लिखते हैं, आई एन कह सकते हो, आई टू दो कोटि का वर्ग तत्समक आव्यूह, तीन कोटि का तत्समक आव्यूह, आई थ्री बोल दिया हमने, तो इस तरह से कहा जा सकता है। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना जरूरी नहीं है, किसी भी तरह का आव्यूह जिसके सभी अवयव जीरो होते हैं उसको शून्य आव्यूह कहा जाता है, ये सारे अवयव जीरो हैं, सारे अवयव जीरो हैं, सारे अवयव जीरो हैं, शून्य आव्यूह है ये हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चौथे चैप्टर में सबसे पहले तो गुणधर्म है सारणिक के, वो तो आप पढ़ लेना, वो आपको पता भी होंगे, ये मैं PDF भी दे दूंगा, वैसे तो कुछ है नहीं, पढ़ के तो समझ में कम आता है बल्कि करने से ज्यादा समझ में आता है, तो ये मैं छोड़ रहा हूं अभी, इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे जो काम की चीज है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारणिक की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं 4.3 एक्सरसाइज में आपके, कि जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है आपके पास जिसके तीन शीर्ष आपको पता है, एक है x1y1, एक है आपके पास x2y2 और एक है आपके पास x3y3, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा एक सारणिक, पहले तो लगेगा 1/2 बाहर और उसके बाद सारणिक x1y1 x2y2 x3y3, तीनों के तीनों हमने जो पॉइंट्स थे यहां जमा दिए, लास्ट में 1 1 1 लगा दिया, ये हमारे पास है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और लास्ट, अच्छा लास्ट नहीं, अभी और हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। उपसारणिक तथा सहखंड किसको बोला जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड आगे भी काफी कुछ अपने, मतलब चौथे चैप्टर में और भी बहुत कुछ है इससे संबंधित, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो।
सारणिक और उपसारणिक और सहखंड। तो शुरू करते हैं, एक मिनट, समझ आ रहे हैं यहां तक आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को? समस्या आए तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, पूछा जा सकता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ठीक है यहां तक तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इस वीडियो को ही दो बार देख लेना आप, तो मजा आ जाएगा, आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाले को किया जाए भाई फटाफट फटाफट, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो उपसारणिक और सहखंड, उपसारणिक होते हैं इसको लिखते हैं एम आई जे से, सहखंड को लिखते हैं ए आई जे से, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। इसका एक फॉर्मूला होता है ए आई जे का, ए आई जे होता है माइनस वन की पावर में आई प्लस जे और एम आई जे, ये ए आई जे निकालने का सूत्र है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास में है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, वो है आपके पास ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, सबके सब वर्ग आव्यूह की बातें चल रही है यहां पर, है ना, वर्ग आव्यूह की बात कर रहा हूं मैं खाली। और एक है ए वन थ्री, नहीं, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। मान लो ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में, अगर ये मैट्रिक्स है तो आपको एक मैट्रिक्स ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होती है एक, वो क्या होती है, इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आती है, आगे आएगा क्या वैसे वो आव्यूह का सहखंड जे, तो आगे है टॉपिक, खैर तो अभी इस पे नहीं ले रहे हैं, अभी केवल इस पे ये बात कर रहे हैं कि अगर इस ए का सारणिक का मान निकालना हो तो क्या आएगा, इसके सारणिक का मान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, हर अवयव के लिए उपसारणिक अलग अलग आता है, इसका अलग, ये नौ अवयव हैं तो नौ उपसारणिक आएंगे और नौ ही सहखंड आएंगे, है ना, नौ सहखंड आएंगे। अब पहले लाइन को, पहली लाइन के अवयवों को ए वन टू और ए वन थ्री, इस पहली लाइन के अवयवों को अगर पहली लाइन के ही सहखंड से मल्टीप्लाई कर दें, ए वन वन, ए वन टू और ए वन थ्री, तो वो उसके सारणिक का मान दे देता है डायरेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसके सारणिक का मान आ जाता है। ऐसा केवल पहली लाइन के साथ नहीं है, सबके साथ है। अगर दूसरी लाइन के अवयव ले रहे हो आप, तो दूसरी लाइन के ही सहखंड ले लो, जिस लाइन के अवयव ले रहे हो उस लाइन के अगर आप सहखंड ले लेते हो तो ये मान के चलो उस सारणिक का मान आ जाएगा, और सब सेम ही आते हैं। आप इस लाइन से कर लो, इसलिए कर लो, इससे कर लो, किसी से भी कर लो, सेम आंसर आने वाला है। ये किसी भी पंक्ति से कर सकते हो, स्तंभ से करना चाहो स्तंभ से कर सकते हो, मतलब अगर आप इस स्तंभ को लेना चाहो कि ए वन वन ले लूं मैं और उसका सहखंड ए वन वन ले लूं, ऐसे ही ए टू वन ले लूं मैं और उसका सहखंड कैपिटल ए टू वन ले लूं, और ऐसे ही ए थ्री वन ले लूं मैं और उसका सहखंड ए थ्री वन ले लूं, तो वो भी बराबर आएगा, उसके सारणिक के बराबर आएगा। ऐसे टोटल छह कॉम्बिनेशन बनते हैं अपने पास में, छह कॉम्बिनेशन भाई, तीन तो इन पंक्तियों के साथ में, इन्हीं पंक्तियों के सहखंड ले लो, तीन इन स्तंभों के साथ में, इन्हीं स्तंभों के सहखंड ले लो, तो सारणिक का मान हमारे को तुरंत प्रभाव से मिल जाता है यहां पर। तो छह तरीके हो गए एक तरीके से सारणिक निकालने के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो काम आ ही जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ खास फॉर्मेट का। मान लीजिए आपने पहले वाली लाइन के ये तो लिए हैं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, लेकिन जो सहखंड है वो दूसरी लाइन के ले लिए या तीसरी लाइन के ले लिए, दूसरी या तीसरी मतलब उस लाइन के नहीं लिए, ए टू वन ले लिया, ए टू टू ले लिया और ए टू थ्री ले लिया, तो वो हमेशा जीरो आएगा। या फिर मान लो आपने दूसरी लाइन ली ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री, उसके साथ में पहली लाइन के सेकंड लगा दिए या तीसरी लाइन के सेकंड लगा दिए, कुछ भी लगा दिया, मतलब तीसरी लाइन के अगर सेकंड लगा दिए तो भी जीरो आएगा। मतलब जिस लाइन की, जिस पंक्ति या स्तंभ की बात चल रही है, उसी पंक्ति के और स्तंभ के सहखंड से मल्टीप्लाई करने पर सारणिक का मान आएगा, अन्यथा मान जीरो आएगा। सिंपल सी बात यह है, बहुत कमाल की चीज है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करेंगे आव्यूह का सहखंडज, क्या होता है आव्यूह का सहखंडज। आव्यूह का सहखंडज होता है एडजॉइंट ऑफ ए, लिखते हैं इसको, सहखंडज है ये और ये सहखंड है, ध्यान रखना, सहखंड अलग चीज है, सहखंडज अलग चीज है। सहखंडज होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स,
ये मैट्रिक्स इसके सहखंडों से ही बनती है। सारे सहखंडों की मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हो, परिवर्त लगा देते हो, तो आपके पास सहखंडज मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33 आपके पास है। इसका मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लो तो वो एडजॉइंट ऑफ A आता है। ट्रांसपोज कैसे आएगा? जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी। A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास में फुल एंड फाइनल एडजॉइंट ऑफ A आ गया है। क्लियर है यहां तक? ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकाला जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ दो तीन फॉर्मुलेज हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मुलेज। लगभग 3 से 4 सूत्र हैं, वो मैं लिखवा देता हूं एक बार कि A इंटू, अगर A मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या फिर एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स को उसकी A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आता है A का सारणिक गुणा I के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मैं आप लोगों को यहां पर लिखवाने वाला हूं, और भी कुछ कुछ फॉर्मुलेज हैं कि A और B दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करके आप सारणिक का मान निकालो, या फिर अलग अलग सारणिक का मान निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो, बराबर ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। वैसे इतना काम नहीं आएगा, इसके आगे वाला बड़ा काम आ जाता है। कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ बढ़िया से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है तो, कि एडजॉइंट ऑफ A का अगर सारणिक निकालना है तो वो A के सारणिक की घात n माइनस 1 आता है। एडजॉइंट ऑफ A का सारणिक A के सारणिक की घात n माइनस 1 आता है। n क्या है? सारणिक की कोटि। सारणिक की कोटि है कि कितने कोटि का सारणिक है, वो है n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मतलब बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो बच्चे कर भी नहीं पाते फिर उसके, इसमें ये उस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह उसको बोलते हैं, कौन से आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते उसको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। जिस मैट्रिक्स का सारणिक का मान जीरो हो जाए वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। क्यों? क्योंकि A इनवर्स निकालने का सूत्र है 1/A का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ A। अगर A का सारणिक जीरो हो गया तो नीचे जीरो बन जाएगा और सब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो जिसका सारणिक का मान जीरो आ गया उस मैट्रिक्स का इनवर्स परिभाषित नहीं है, वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय नहीं होगी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और ध्यान रख लो कि, और तो मेरे ख्याल से कोई फॉर्मूला बचा नहीं है, वैसे यही थे मेरे ख्याल से सूत्र, और तो मुझे कुछ ऐसा याद आ नहीं रहा है जो कोई सूत्र हो, यही है मेन, तो यही सूत्र था इसमें, तो इतना ही है। और आगे बढ़े अब मेरे ख्याल से, नेक्स्ट है रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय का हल का मतलब यह है कि तीन समीकरण इस तरह से दे सकता है आपको, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। यहां इस तीन समीकरणों को देख करके तीन मैट्रिक्स बन जाएंगी। मैट्रिक्स A जो एक्स वाई जेड के गुणांकों से बनती है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। हम इसको हल करते थे तीन समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए, हल करने के लिए तीन मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स A जो एक्स वाई जेड के गुणांकों से बनेगी, मैट्रिक्स X जो एक्स वाई जेड की ही कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब विकर्ण आव्यूह है, और एक होती है अपनी ये वाली, इसको B मैट्रिक्स बोला जाता है, वो होती है D1, D2 और D3। ये विकर्ण मैट्रिक्स हो गई D। तीनों मैट्रिक्स हमने इनको देख करके परिभाषित कर दी। अब सोल्व कैसे करते हैं? यहां पर A इंटू X बराबर होता है ये B के, ये जो पैटर्न है वो पैटर्न एक्चुअली AX बराबर B के बराबर है। ये आपको याद आ रहा होगा कि A को जब X से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर करेंगे तो यही समीकरण बनती है।
तो इससे हम लोग x का मान निकालते हैं और x का मान आता है a इनवर्स इनटू में b। ये ध्यान रखना है कि इस a मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकाल करके जब हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब x, y, z के मान आ जाते हैं। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि x को a इनवर्स b से मल्टीप्लाई करना है, b a इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उल्टा मत कर देना। इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं मैं कि a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ही x मैट्रिक्स मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये विशेष ध्यान देने वाली बात थी, हल्की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पांचवा हमारे पास सांतत्यता तथा अवकलनीयता। सबको ही पता होता है वैसे, ये चैप्टर तो सबने अच्छे से पढ़ा होता है वैसे, सबसे ज्यादा इसी को पढ़ते हैं बच्चे। तो इसके फॉर्मुलेस बहुत सिंपल से हैं कि फलन एफ एक्स की बिंदु एक्स बराबर सी पर सांतत्यता की शर्त अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या है कि भैया एक्स पर, भाई कोई फलन बिंदु एक्स बराबर सी पर संतत है कि नहीं है, उस फलन की एक्स बराबर सी पर सीमा का मान उस फलन के मान के बराबर हो जाए उस बिंदु पर, तो इसका मतलब सांतत्यता की शर्त संतुष्ट हो रही है, मतलब संतत है उस बिंदु पर, अदरवाइज फलन संतत नहीं है। शॉर्ट में आप कह सकते हो, मतलब मेन जो काम आता है, ज्यादा जो काम आता है वो ये वाला काम आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होना चाहिए और बराबर फलन का मान होना चाहिए। अगर ऐसा है सी बिंदु पर तो सी बिंदु पर फलन संतत होगा। सेम ऐसे ही अवकलनीयता के लिए भी है कि एफ एक्स जो है बिंदु एक्स बराबर सी पर अवकलनीय होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए। यहां पर तो क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, साथ में फलन का मान भी बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर अवकलनीयता की शर्त की बात करें तो उसमें केवल दो चीजें बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर हो जाए तो काम हो जाता है। x बराबर c पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस का h। ये सिंपल फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। राइट हैंड डेरिवेटिव का बस यहां पर दो जगह जो माइनस लगाए हैं यहां प्लस लग जाएगा दोनों जगह और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में विशेष फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है, बस यहां और यहां माइनस में प्लस है, इधर तो माइनस ही रहेगा इधर भी, बस इन दोनों जगहों पर प्लस हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मुलेज आराम से याद किए जा सकते हैं। अब कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज हैं वो आप लोगों को वैसे तो याद ही होते हैं, मैं हल्का सा फटाफट पढ़ देता हूं उनको क्योंकि और कुछ याद हो नहीं हो बच्चों को, डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज याद होते हैं। जिसको याद नहीं है वो तो फिर बारहवीं में एग्जाम अगली बार दे लेना, अभी क्यों दे रहे हो फालतू है। तो अचर फलन का अवकलन जीरो होता है, एक्स की घात एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, a की पावर x का a की पावर x log a होता है साथ में, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, सबको पता है। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें अगर तो साइन x का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर, sec का sec x into tan x और cosec x का माइनस का cosec x into cot x होता है। यहां बस गौर करने वाली बात यही होती है कि जिसकी स्पेलिंग सी से शुरू है, जिसकी भी स्पेलिंग सी से शुरू है उसका आंसर यहां पर नेगेटिव में आता है, जिसकी स्पेलिंग सी से शुरू है उसका आंसर नेगेटिव में आता है, बस ये एक ध्यान देने वाली बात थी यहां, बाकी तो याद ही रखना है, कोई इलाज नहीं है इसका। तो ऐसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल की बात करें तो वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का इसी के बस माइनस लगा दो, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स एक्स में इसी के माइनस लगा दो, sec इनवर्स x का 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है, cosec इनवर्स में इसी के माइनस लगा दो। तो ये हमारे पास इनवर्स वाले फॉर्मुलेज भी याद होने चाहिए, अपने काम आएंगे, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं ये अपने। ऐसे ही दो खास सूत्र हैं जो ध्यान रखना है, एक ही है मेन दो खास सूत्र, तो वैसे कि dy / dx ये है पैरामेट्रिक फॉर्म में जो होता है ना, जैसे t में आ गई समीकरण, x भी t में आ गया y भी t में आ गया, या x भी थीटा में आ गया y भी थीटा में आ गया, जब दोनों के दोनों x और y अलग अलग फलन बन करके आए t के, उसको बोलते हैं प्राचलिक रूप या पैरामेट्रिक फॉर्म। तो उस केस में आप कह सकते हो कि dy / dx जो है बराबर होता है dy / dt / dx / dt, मतलब y का t के सापेक्ष अलग से अवकलन कर लो, x का t के सापेक्ष अलग से अवकलन कर लो, उसके बाद दोनों को भाग लगा दो तो वो dy / dx के बराबर हो जाएंगे। सेम ऐसे ही d2y / dx2 की अगर बात करें तो d2y / dx2 बराबर नहीं होगा उस पैटर्न के, कि d2 आप ऐसा नहीं कर सकते कि d2y / dx2 निकालना है तो d2y / dt2 और d2x / dt2 निकाल करके दोनों को डिवाइड कर दें, वो बराबर नहीं होगा, केवल सिंगल डिफरेंशिएशन बराबर होता है, डबल वाला ऐसे नहीं निकाला जाता। डबल निकालना है तो सिंगल निकाल करके ही दूसरा एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
डबल का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, ये बात ध्यान रखने की अपनी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं इसके। अब इसमें रोले का प्रमेय है एक और एक मध्यमान प्रमेय है, दो प्रमेय हमारे को दे रखी है 5.8 प्रश्नावली में। कुछ कुछ बच्चों के ये सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के अभी भी है, तो हमें याद होनी चाहिए। ये डिटेल में हमने डिस्कस किया है, इसका लॉजिक भी डिस्कस किया है। आज केवल मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि बस दिमाग से वापस से रिवाइज हो जाए, दिमाग में वापस से आ जाए चीजें। बस मोटा मोटा ओवरव्यू कर रहे हैं आज अपन, तो स्टार्ट करते हैं। रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय सेम ही है, ऑलमोस्ट पॉइंट्स लगभग सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं अभी बताता हूं आपको कैसे कह रहा हूं मैं ये बात। रोले का प्रमेय है, यदि एक वास्तविक मान फलन एफ एक संवृत्त अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित है कि, कोई एक फलन एफ इस प्रकार परिभाषित है कि, किस प्रकार ये कोई फलन एफ परिभाषित करेंगे हम लोग, इस तरह से परिभाषित करेंगे कि वो इस अंतराल में संतत हो, इस अंतराल में वो अवकलनीय हो। बस ये ध्यान रखना, यहां ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है। इस अंतराल में वो अवकलनीय है, कुछ कुछ मिसप्रिंट्स हैं यहां पर तो देख लेना आप। और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, मतलब जिन दो बिंदुओं में फलन को परिभाषित कर रहे हो, जहां से जहां तक ये ए से लेके बी तक आप फलन को परिभाषित कर रहे हो अगर, तो ए बिंदु पर फलन का मान और बी बिंदु पर फलन का मान समान ही आना चाहिए। ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों सेम ही आने चाहिए। अगर ऐसा है तो उस फलन में रोले का प्रमेय लग जाएगा। और क्या आएगा कि कम से कम एक बिंदु, फिर उस मान लो यहां से यहां तक फलन परिभाषित है, तो मैंने यहां से यहां तक बिंदु को मिला दिया, किसी भी तरह से मिला दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह से मिलाओगे तो कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर आएगा जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर आ जाएगी। कम से कम एक बिंदु आएगा, यहां तो दो दो बिंदु आ गए, जिस पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें तो एक्स अक्ष के समानांतर आएगी। मतलब कह सकते हो आप कि जिस पे स्पर्श रेखा खींचें तो एफ डैश सी, मतलब अवकलन का मान जीरो आएगा। एफ डैश सी का मतलब क्या है? सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अवकलन का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता ही होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता जीरो किसकी होती है? एक्स अक्ष की प्रवणता जीरो होती है। एक्स अक्ष की प्रवणता जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब एफ डैश सी बराबर जीरो आने का मतलब यह है कि ऐसे बिंदु सी हमें मिलेंगे यहां पर कुछ कुछ, जैसे ये बिंदु सी है इसको मैं सी वन नाम दे देता हूं, ये बिंदु भी सी है इसको मैं सी टू नाम दे देता हूं। कम से कम एक बिंदु तो सी ऐसा जरूर मिलेगा इस अंतराल में ही, ए से बी के अंतराल में ही, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है या खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर होगी। मतलब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता जीरो के बराबर आ जाएगी, टेन थीटा जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समानांतर है तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा। कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर आएगा, इसलिए एफ डैश सी बराबर जीरो होता है। ये तीन पॉइंट्स हैं और ये कंक्लूजन है। रोले का प्रमेय यही है, रोले का प्रमेय आए तो ये पूरा लिखना है, साथ में एक ग्राफ भी बना करके बताना है अपने को, ठीक है? और भी कुछ डिटेल में लिखवाया था तो वो और देख सकते हो आप, फिलहाल तो केवल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, वहां पे आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है और भी अच्छे से। मध्यमान प्रमेय की अगर बात करें तो सेम टू सेम है, ये सेम लिखा हुआ है। यदि एक वास्तविक मान फलन एफ एक संवृत्त अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित है कि, संवृत्त अंतराल ए कोमा बी में संतत है, विवृत अंतराल ये ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, अवकलनीय में ओपन ही लगता है हमेशा, केवल दो कंडीशन है, यहां पर तीन थी, ये दो कंडीशन थी, तीसरी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी थी, ये खास कंडीशन थी इसकी। लेकिन अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं है तो रोले का प्रमेय नहीं होता, फिर उस केस में मध्यमान प्रमेय लग जाता है। वो ये कहता है तब विवृत अंतराल, मतलब तब भी एक बिंदु ऐसा जरूर आएगा जिस पे अवकलन का मान या स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के बराबर आ जाएगी। थोड़ा सा कुछ कुछ जगहों पर मिसप्रिंट है, मैं ठीक करते हुए जा रहा हूं, वैसे तो कहीं से कुछ रह जाए तो आप देख लेना, ये हमारे बराबर आ जाती है। और इसका ग्राफ अगर बनाने को कभी आता है, वैसे तो बहुत कम संभावनाएं रहती है इस तरह के क्वेश्चन आने की कि ये लिखो ग्राफ बनाओ, बहुत कम संभावना है, फिर भी एक बार बना लेते हैं हम लोग ताकि कुछ छूटे ना। यहां से मान लो शुरू हुआ, ये हमारा ए पर फलन का मान है, मान लो ये हमारा बी पर फलन का मान है, यहां पर इसमें यही तो खास बात है, ए पर फलन का मान और बी पर फलन का मान अलग अलग है। ए पर फलन का मान ये है, बी पर फलन का मान ये है, तो ए और बी पर फलन का मान अलग अलग है। तो अब कैसा भी कर्व बना लो, अब जो भी आप कर्व यहां पर बनाओगे उस पे खींची गई स्पर्श रेखा इस लाइन के समानांतर आएगी।
कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिसपे खींची गई स्पर्श रेखा, कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा, दो दो बिंदु आ गए या जो भी है, कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होता है जिसपे खींची गई स्पर्श रेखा इस लाइन के समानांतर आ जाती है। मोटी मोटी बात यही है, बस और कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है। तो मध्यमान प्रमेय रोले के प्रमेय का ही एक विस्तारण है। रोले का प्रमेय बस ये कहता है कि इस पॉइंट को नीचे किसका दो, तो ये पूरा डायग्राम यूं हो जाएगा और ये इस तरह का बन जाता है फ्लैट में। ये मध्यमान ये है कि ये ऊपर किसका दो, तो ये पूरा डायग्राम यू शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बस और कोई फर्क नहीं है। तो रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय ये है, कुछ कुछ के सिलेबस में नहीं है, कुछ कुछ के है, जिसके है वो पढ़ लेना, बाकी लोग छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्नावली 6 की बात कर रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में टोटल 5 प्रश्नावलियां हैं, 5 अलग अलग मुद्दों पर है। पहला मुद्दा है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर का मतलब है dy by dx। dy by dx का मतलब होता है y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। dy by dx का मतलब ही होता है कि y में परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग x के सापेक्ष, और किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो माप रहे हैं, उसी को dy by dx कहते हैं। तो अवकलन में कोई भी दो राशियां हैं एक दूसरे से परिवर्तन की दर हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी आप 6.1 प्रश्नावली करोगे, मतलब राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ोगे, उस समय कुछ कुछ ये फॉर्मुलेज आपके बड़े काम आएंगे। जैसे वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr स्क्वायर होता है। घन की बात करें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और घन का आयतन होता है 3। घन आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। और आयतन की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन आपका आयतन हो जाता है। बेलन की अगर मैं बात करूं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर नीचे के ढक्कन और लगा दो 2πrh में 2πr² और जोड़ लो। जब आप 2πrh में ये है एक तरीके से 2πr² जुड़ गया है 2πrh में और उसमें से तो कॉमन ले लिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी 2πrh प्लस 2πr² है ये और कुछ नहीं है। आयतन की बात करें तो πr² h होता है इसका आयतन। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में संबंध है कि बेलन का आयतन तो πr² h है, इसका है 1/3πr² h, इसका आयतन 1/3 गुणा हो जाता है इसका। अब बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वो होता है πrl और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें होंगी अब, बेलन में भी शंकु में भी और गोले में भी, मेन तो बेलन और शंकु में विशेष तौर पे होंगी। तो शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठीय की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो πrl है उसमें πr² और जोड़ दो तो πr² प्लस πrl बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन मैंने बता ही दिया इसका 1/3 होता ही है। एल क्या है यहां पर, एल है तिर्यक ऊंचाई जो r² प्लस h² के बराबर होती है, l² वो l है, ये तिर्यक ऊंचाई है, टेढ़ी जो शंकु टेढ़ा होता है वो टेढ़ी ऊंचाई है ये l। क्लियर है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 9वीं क्लास में भी पढ़ी है, 10वीं में भी पढ़ी है आप लोगों ने, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं, कुछ खास बात नहीं है, थोड़ा सा फास्ट ही करवा रहा हूं मैं जान करके रिविजन के फॉर्मेट में। नेक्स्ट अगर गोले की बात करें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और अगर आयतन की बात करें तो 4/3πr³ होता है इसका आयतन। ऐसे ही अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही होते हैं। वक्र पृष्ठीय तो इसका आधा हो जाएगा 2πr², संपूर्ण पृष्ठीय में एक पृष्ठ और जुड़ जाता है πr², वृत्त और जुड़ जाता है तो 2πr² में πr² और जुड़ गया तो 3πr² हो गया और आयतन इसी का आधा हो जाता है। तो 4/3πr³ का आयतन आधा होकर के 2/3πr³ हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कुछ कुछ चीजें, ये सारी चीजें अपने को ध्यान रहेंगी तो राशियों में परिवर्तन की दर हम लोग निकाल पाएंगे। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे घन है, घन की जो भुजा है वो समय के सापेक्ष इस दर से बढ़ रही है घट रही है, तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब अपने को पता रहेंगे तो काफी हेल्प रहेगी उससे अपने को। नेक्स्ट 6.2 प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं तो 6.2 प्रश्नावली में वर्धमान और ह्रासमान फलन की बात हो रही है। अब यहां 4 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। पहला होता है निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। एक होता है अपने पास केवल वर्धमान फलन, ठीक है,
एक होता है अपने पास निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, और एक होता है सिंपल, निरंतर हट जाएगा, सिंपल ह्रासमान फलन हो जाएगा यहां पर। ठीक है यहां तक? तो ये चार प्रकार के ही हैं और बहुत सिंपल से ही हैं। निरंतर वर्तमान का मतलब ये है कि x के सापेक्ष दोनों राशियों में मतलब बढ़ ही रहा है, x के सापेक्ष y देखें तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में फॉर्मूला बनता है f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं वर्तमान फलन की बात करूं तो यहां पर बढ़ेगा लेकिन कुछ देर के लिए रुक भी सकता है, फिर बढ़ेगा, तो ये हो गया वर्तमान। निरंतर वर्तमान नहीं है, कुछ देर के लिए रुक भी सकता है, कभी कभी ऐसे भी फलन हो सकते हैं। तो अगर ऐसे फलन है तो इसको केवल वर्तमान फलन बोलेंगे, निरंतर वर्तमान नहीं बोलेंगे। तो उस केस में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमारे को ध्यान रखना है वर्तमान फलन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं निरंतर ह्रासमान फलन की। तो निरंतर ह्रासमान फलन का मतलब है कि लगातार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता जा रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वाई तो कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं निरंतर ह्रासमान फलन, जिसमें एफ डैश एक्स जो है लेस देन जीरो होता है। अगर ह्रासमान की बात चल रही है तो निरंतर हट गया, इसका मतलब गिर रहा है लेकिन कुछ देर के लिए रुक भी सकता है, फिर गिर रहा है उसके बाद में, तो ये निरंतर नहीं है, कुछ देर के लिए है फिर नहीं है फिर है, तो इसको बोलते हैं केवल ह्रासमान फलन। और इसका फॉर्मूला हो जाता है एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है जहां पर ये फ्लैट होती है सिचुएशन, इस पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है, और बाकी चढ़ते हुए तो ग्रेटर देन, फ्लैट पे इक्वल तो दोनों आ गए, गिरते हुए लेस देन, गिरते हुए फिर फ्लैट, तो लेस देन और इक्वल टू, इस तरह से सिचुएशन चल रही है। तो चार तरह के फलन होते हैं वर्तमान और ह्रासमान में, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब इसके बाद में आता है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं ये वाला हमारा ग्राफ है तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का मतलब है टच करती हुई एक लाइन, ये तो स्पर्श रेखा हुई। अगर अभिलंब की बात करें तो इसके स्पर्श रेखा के जो लंबवत रेखा होती है, स्पर्श रेखा के जो लंबवत रेखा होती है उसको अभिलंब बोलते हैं। तो ये तो हमारी अभिलंब है, अभिलंब रेखा है, और ये हमारी स्पर्श रेखा है। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं बात को। ठीक है, तो भाई स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले तो ये बड़ी काम की है, वो होती है dy by dx, और अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती है माइनस का dy by dx, सॉरी माइनस का 1 अपॉन dy by dx। अब इसी के हिसाब से इन दोनों के समीकरण आ जाएंगे। जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज ही लग रही है मेरे को, लेकिन करते हैं कोशिश। स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए, स्पर्श रेखा का अगर मैं समीकरण लिखूं तो वो है y माइनस y1 बराबर में dy by dx x माइनस x1। चार ही टॉपिक्स हैं इसमें, एक स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, और एक अभिलंब का समीकरण और लिख दूंगा मैं, इधर लिख देता हूँ, यहां लिख देते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होता है? अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर में माइनस का 1 अपॉन dy by dx, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 वाले फॉर्मूले से अभिलंब का समीकरण हम लोग निकाला करते थे। याद आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से अभिलंब का समीकरण, किस तरह से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते थे। y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 है, और m तो एक तरीके से dy by dx है यहां पर, और यहां m की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन dy by dx है, तो अभिलंब का समीकरण इस तरह से आएगा। ये हमारी 6.3 प्रश्नावली में था सारी रामायण जो भी है। इसके बाद 6.4 प्रश्नावली में सन्निकटन आ जाता है, सन्निकट मान निकालने को आते हैं। सन्निकट मान का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि अंडर रूट में 25.6 का आंसर क्या आएगा, या अंडर रूट में 0.009 का आंसर क्या आएगा, इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनके सन्निकट मान निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। दो फॉर्मूलेज हैं केवल, वो ध्यान रखना है अपने को। एक फॉर्मूला है dy बराबर होता है dy by dx इंटू में डेल्टा x के, और एक ध्यान रखना है कि डेल्टा y बराबर होता है f of x plus डेल्टा x माइनस f of x के।
एक छोटी सी चीज अपन ध्यान रहेंगे तो ठीक रहेगा कि dy लगभग बराबर ही होता है डेल्टा y के, और dx तो बराबर ही होता है डेल्टा x के। dy लगभग बराबर है और dx तो एग्जैक्ट बराबर होता है, कोई खास बात नहीं है। खैर मेन तो अपने यही काम आती है, तो जो काम किए केवल उतना ही लिख रहा हूं मैं, अभी कुछ और नहीं लिख रहे हैं। ये हमारे पास सन्निकट मान के लिए सूत्र हैं, तीन ही सूत्र हैं और कुछ खास काम नहीं आता इसमें। नेक्स्ट, ये तो है अपनी 6.4 प्रश्नावली, अब आती है 6.5 प्रश्नावली। वो तो भारी भरकम प्रश्नावली होती है, वो सबसे बड़ी है इनमें, आपको अगर याद हो तो। सबसे बड़ी है अधिकतम और निम्नतम वाले, उच्चतम और निम्नतम, सबसे भारी भरकम जबरदस्त प्रश्नावली है ये। करें इसको आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। चलिए उच्चतम और निम्नतम की अगर बात करें, तो उच्चतम और निम्नतम का हिसाब किताब ये होता है यहां पर कि इस तरह का कोई ग्राफ है अगर आपके पास, मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ है अपने पास, यूं चल रहा है ग्राफ, ठीक है। तो जो पहाड़ बन रहे होते हैं ना, वो पॉइंट तो होते हैं स्थानीय उच्चतम वाले, जिन पे खाई बन रही होती है वो होते हैं स्थानीय निम्नतम वाले। तो ये जो पॉइंट है, ये यहां पर और यहां पर अपने को मिल रहा है स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम, और यहां पर और यहां पर अपने को मिल रहा है स्थानीय निम्नतम। मतलब जितने भी खाई है, बहुत ज्यादा गहरी हो, कम गहरी हो, कैसी भी हो, उसको स्थानीय निम्नतम बोलते हैं, और जो पहाड़ है, पहाड़ है, उसको स्थानीय उच्चतम बोलते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी ग्राफ में इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर भी एक खास बात होती है कि अगर मान लो दो पहाड़ है, उसमें भी सबसे ऊंचा पहाड़ होगा कोई ना कोई, सबसे ऊंचे वाले को बोलते हैं निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम, कि सबसे ज्यादा ऊंचा ये है साहब, और सबसे नीचे वाले में जो होता है उसको बोला जाता है निरपेक्ष निम्नतम, निम्नतम। जितने भी स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम वाले बिंदु हैं, या कह लो कि ऐसे कोई भी पॉइंट्स हैं जिन पे एफ डैश एक्स जीरो के बराबर हो रहा है, इन सब पे एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होता है। देखो ये एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होने का मतलब है इन पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर आएगी, तो इन पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो के बराबर है। तो जहां जहां एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होता है, वो बेसिकली वैसे तो क्रांतिक बिंदु माने जाते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं क्रांतिक बिंदु कौन से हैं जिन पे एफ डैश एक्स का मान जीरो के बराबर है, उनको क्रांतिक बिंदु बोलते हैं अपन। नहीं भी लिखेंगे तो वैसे चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करने के दो मेथड्स हैं, एक है प्रथम अवकलज विधि, इधर लिख देता हूं मैं, पहली विधि है प्रथम अवकलज विधि, प्रथम अवकलज विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले तो स्टेप्स लिख देता हूं मैं, सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स बराबर जीरो करते हैं, और उससे x के कुछ कुछ मान आ जाएंगे, x1, x2, x3 जितने भी आएंगे, उन मानों को संख्या रेखा पर बना लेंगे हम लोग, x1, x2, x3, अनंत, माइनस अनंत, प्लस माइनस, प्लस माइनस, जो भी बन रहा है। अगर संख्या रेखा पर जो चिन्ह है, चिन्ह अगर प्लस से माइनस बदल रहा है, और एक प्लस से माइनस मतलब जैसे प्लस से माइनस बदल रहा है x1 पे, x3 पर भी प्लस से माइनस बदल रहा है, तो जहां पर चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय निम्नतम का बिंदु। नहीं, पीछे वाला देखते हैं, स्थानीय उच्चतम का बिंदु बोलते हैं, सॉरी,
स्थानीय उच्चतम का बिंदु, और जो चिन्ह अगर माइनस से प्लस बदल रहा है तो उसको बोला जाता है स्थानीय निम्नतम का बिंदु। ठीक है, ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर होता है, ये तो केवल नंबर लाइन से बनाते हैं। अगर द्वितीय अवकलज विधि है, अगर आप द्वितीय अवकलज विधि से कर रहे हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहले तो एफ डैश एक्स को जीरो के ही बराबर करोगे, और कुछ नहीं है ना, एफ डैश एक्स को जीरो के ही बराबर करोगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पर एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर करके एक्स के कुछ मान निकाल लेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो भी निकलेंगे वो सब हम लोग निकाल के रख लेंगे। इसके बाद में यहां पर संख्या रेखा नहीं बनाते, यहां पर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स निकाल करके ये बिंदु उसमें रखेंगे, एक्स की जगह एक बार एक्स वन रखा, एक बार एक्स टू रखा, एक बार एक्स थ्री रखा, और चेक किया कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर एफ डबल डैश एक्स, अगर एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, और अगर एफ डबल डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। ये हमारे को ध्यान रखना है द्वितीय अवकलज विधि में, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आ जाते हैं फटाफट से। सेवेंथ नंबर चैप्टर देखिए किस तरह का है। सेवेंथ चैप्टर में कुछ बेसिक से सूत्र हैं, वो सूत्र आप लोगों को वैसे तो याद ही रहते हैं कि भैया वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है एक्स की घात एन का, एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशियन ये, इसका डिफरेंशियन ये, इसका डिफरेंशियन ये। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये कह सकते हो आप। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सिंपल सेक एक्स होता है इसका, और कोसेक एक्स इंटू कॉट का क्या होता है बच्चों, माइनस कोसेक एक्स। ये याद होना चाहिए, तुरंत पढ़ते ही दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ये आंसर है, आंसर देखे बगैर ये पढ़ते ही आंसर पता होना चाहिए, ये पढ़ते ही आंसर याद होना चाहिए, तब जाकर के मजे वाली बात है, नहीं तो मजा नहीं है फिर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेन एक्स का इंटीग्रेशन है। टेन एक्स के इंटीग्रेशन के दो सूत्र आप याद रख सकते हो, एक तो लॉग सेक एक्स, और क्योंकि सेक एक्स होता है वन अपॉन कॉस एक्स तो उसी से बन जाता है माइनस का लॉग कॉस एक्स। मॉड तो केवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग के अंदर हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, इसलिए मॉड लगाया जाता है, बाकी और कोई खास बात नहीं है यहां पर, मॉड लगाने का और कोई उद्देश्य नहीं है यहां पर। ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और एक और याद रखना चाहो तो माइनस का लॉग कॉसेक एक्स भी होता है वैसे। अब बात करते हैं sec x का, sec x का होता है log sec x plus tan x, और cosec x का होता है log cosec x minus cot x। ये हमारे पास इनके इंटीग्रेशन है। ऐसे ही 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट की अगर बात करें, इसका इंटीग्रेशन अगर जाने तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो साइन इनवर्स x होता है, या फिर कह लो कि माइनस का cosec इनवर्स x भी इसी का होता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें तो दो है वापस से, एक तो tan इनवर्स x होता है और एक माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेम ऐसे ही वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन के अंडर रूट की बात करें तो एक तो सेक इनवर्स एक्स हो जाता है और एक माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। सिंपल सा है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ खास छह सूत्र और हैं, बहुत प्यारे सूत्र हैं छह के छह, कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वन अपॉन टू ए, ये दोनों सेम पैटर्न के सूत्र हैं, ये दोनों सेम पैटर्न के हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वन अपॉन टू ए यहां भी, वन अपॉन टू ए यहां भी, इसके गुणनखंड होंगे एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, इसके गुणनखंड होंगे ए प्लस एक्स अपॉन, मतलब ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। बस ये ध्यान रखना है जिसमें एक्स नेगेटिव है उसमें, मतलब x के ऊपर निर्भर है x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही नीचे रहेगा, x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ही नीचे रहेगा। ये बात ध्यान रख लेना, जैसे भी याद रखना चाहो, मैंने और भी तरीके बताए थे याद रखने के।
एक्स के साइन पे निर्भर है, एक्स के बाहर पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव, एक्स के बाहर नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव, बस इतना सा ध्यान रख लो आप। तो आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट होगा लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आ गया, ऐसे याद रखो इसको, ये क्वेश्चन में ही है, तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन सेम ऐसे ही, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम होते हैं, ये भी लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन ही होगा, ठीक है, दोनों सेम पैटर्न के, और वो हो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो साइन इनवर्स के फॉर्मेट में चला जाता है, क्योंकि देखो साइन इनवर्स में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया बस यहां पर, तो वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ये ध्यान रखना है अपने को, इस तरह से कुछ कुछ सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान ऐसे भी रख सकते हो, एक चीज और ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स के बाहर यहां 1 अपॉन ए नहीं होता लेकिन टेन इनवर्स के बाहर 1 अपॉन ए होता है, ये दोनों सेम पैटर्न के फॉर्मुलेज हैं, थोड़ा सा गौर करते हुए ही आप लोगों को याद रखने हैं इनको, ठीक है। कुछ सूत्र और हैं तीन चार, वो भी ध्यान रखने हैं, जैसे यही तीन लोग जो यहां पर डिवाइड में थे, यही तीन लोग जो डिवाइड में थे इन्हीं तीनों के अंडर रूट लगा करके यहां लिखा, इन्हीं तीनों को अंडर रूट लगा करके ऊपर लिखें तो क्या सूत्र बनते हैं, ऊपर लिखें तो ये सूत्र बनते हैं तीनों के, कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ऐसे याद रखोगे एक्स अपॉन टू क्वेश्चन, सब में सेम है ये होगा तो एक्स अपॉन टू क्वेश्चन, ये होगा तो भी एक्स अपॉन टू क्वेश्चन, और फिर साथ में ए स्क्वायर अपॉन टू, जब वो नीचे था तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन था, जब ये नीचे था तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन था, जब ये नीचे था तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था, साथ में ए स्क्वायर अपॉन टू लग ही रहा है, बस ये ध्यान रखना है कि इस वाले में नेगेटिव रहता है बाकी दोनों में ये पॉजिटिव रहता है, बाकी तीनों को याद रखने के फिक्स फॉर्मेट है एक्स अपॉन टू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू जब वो नीचे था, वो वाला टर्म आ जाएगा एक्स्ट्रा में ए स्क्वायर अपॉन टू के साथ में, कि जब वो नीचे था मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट था तो ये वाला फॉर्मेट हुआ करता था, ये ध्यान रखें कि यहाँ माइनस और इन दोनों में प्लस आता है। ई की पावर एक्स का एक फॉर्मेट है बड़ा खास, कि ई की पावर एक्स के साथ अगर दो फलन प्लस में दे दिए अपने को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स के साथ सिंपल एफ एक्स लग जाता है और प्लस में सी लग जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हो एफ डैश एक्स को गोली मारो सीधा आंसर आएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है बहुत सिंपल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर है आई लेट के कॉम्बिनेशन से चलता है, वैसे ये आई लेट का मतलब ये है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स इस तरह की चीजें, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रिक, मतलब एक्स की घात दो एक्स की घात तीन एक्स की घात एक या एक्स की घात जीरो भी हो सकता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स, तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड लेते हैं, कि जैसे लॉग आ गया और एलजेब्रिक आ गया तो लॉग को फर्स्ट लेंगे एलजेब्रिक को सेकंड लेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन में फर्स्ट एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन ही होता है, और इनका ओवरऑल इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, ये फॉर्मेट है यू इंटू वी का, या फर्स्ट इंटू सेकंड से याद रखते हैं अपन, तो यू इंटू वी से कौन याद रखता है, फर्स्ट सेकंड से याद रखते हैं, तो उससे हमने बना करके यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात है आंशिक भिन्नों की, आंशिक भिन्नों में मेनली तीन फॉर्मेट्स चलते हैं, तीन फॉर्मेट अगर आपको याद हो गए तो आंशिक भिन्न आपको याद हो जाएंगे और कुछ खास बात नहीं है। तीन फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, पहला फॉर्मेट अगर ऊपर एफ एक्स है और नीचे आपके पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी दे रखा है तो उसको आप लिख सकते हो ए अपॉन, मतलब सिंगल सिंगल पावर पे गुणनखंड करके दिए हुए हैं तो अलग अलग दे दो आप, एक्स प्लस ए को अलग दे दो, एक्स प्लस बी को अलग दे दो और एक्स प्लस सी को अलग दे दो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एफ एक्स अपॉन में, ये एक्स प्लस ए का मान लो स्क्वायर आ गया और एक्स प्लस बी की केवल एक ही घात आई, किसी एक का स्क्वायर है किसी एक की एक ही घात है, तो जिसका स्क्वायर है उसको दो बार लिखते हैं, यहां लिख दिया यहां लिख दिया, जिसका स्क्वायर है उसको दो बार लिखा, दूसरी बार में बस स्क्वायर लगा करके लिख दिया, एक बार बिना स्क्वायर के एक बार स्क्वायर के साथ, जिसका स्क्वायर है केवल उसको, जिसके स्क्वायर नहीं है सिंगल पावर है उसको शांति से नॉर्मल तरीके से लिख दिया। इस तरह से आंशिक भिन्न करते हैं हम लोग। एक और खास फॉर्मेट बच गया है,
वो है कि अगर एफ एक्स के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाए और एक्स प्लस बी आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए का मतलब ये है कि ऐसा कोई गुणनखंड आ जाए द्विघात में, द्विघात के रूप में ऐसा कुछ आ जाए जिसके और गुणनखंड नहीं हो सकते, स्क्वायर में ही रहेगा वो, तो फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं? उसको लिखते हैं फिर ए एक्स प्लस बी उसके ऊपर जाता है और नीचे ये सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस ए चल रहा है और जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल ही है। एक नया कॉन्स्टेंट सी लगा करके उसको सिंपल में लिख दो, सिंपल वाले को सिंपल लिखते हैं, बाकी ये इसमें ये स्क्वायर वाले को दो बार जिसमें दूसरे वाले के स्क्वायर लगाते हैं। तो ये तीन ही फॉर्मेट्स हैं, इन तीन से पांच सात फॉर्मेट्स बन जाते हैं, लेकिन मेन ये तीन ही है, इन्हीं से बनते हैं जितने बनते हैं सारे, और इसके अलावा फॉर्मेट नहीं है कोई, बाकी सब तो जितने बनाने बनाते रहो बस इनसे बन जाएंगे। यहां पर एक बस खास बात होती है कि ऊपर अंश की घात, आंशिक भिन्न केवल तब लगेगी जब अंश की जो घात है हमेशा छोटी हो हर की घात से, तभी आप आंशिक भिन्न लगा सकते हो, अदरवाइज आंशिक भिन्न का कोई मतलब ही नहीं है, फिर लगेगा ही नहीं। पहले डिवाइड दोगे उसके बाद आंशिक भिन्न लगेगी, उससे पहले आंशिक भिन्न नहीं लगेगी, ये बात ध्यान देने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। अब योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन हमने सीखा था 7.8 प्रश्नावली में, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन अगर ए से लेके बी तक आपको दे रखा हो, अगर आपके सीमा लगा रखी है ए से लेके बी तक, तो उसका इंटीग्रेशन का क्या सूत्र है, बी माइनस ए इंटू में लिमिट एक्स एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, पहले तो बी माइनस ए आ जाएगा, फिर लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1 अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच से बढ़ते 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एन एच के बराबर होता है। अब इसमें लिमिट विमिट निकालने की बातें होती है, वो लिमिट निकालने के कुछ सूत्र भी हैं, कुछ तरीके भी हैं, उसके अलावा यहाँ पर कहीं एच एच बहुत है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो उस एच का जो सूत्र है वो है बी माइनस ए अपॉन में एन, वो एच का सूत्र ध्यान रखना है अपने को। उसके अलावा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के एन माइनस 1 तक अगर टोटल कहीं पर निकालने को बोले, यहाँ पर बनेगा ही बनेगा, ये कुछ खास सूत्र हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो ये आएंगे ही आएंगे उसमें मान के चलो। तो 1 से लेकर के n माइनस 1 तक सिंपल योगफल पूछे तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n माइनस 1 स्क्वायर तक पूछे तो n इंटू एन माइनस 1 2 n माइनस 1 अपॉन 6, और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक पूछे तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है, मतलब इसी चीज का स्क्वायर हो जाता है, अगर यहां एक घात की जगह तीन घात में आते हैं तो सेम इसी चीज का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट लिमिट निकालने का सूत्र है कि e की घात में a बटे n आ जाए, माइनस 1 हो तो बटे में भी 1 अपॉन n है, तो उसका आंसर a के बराबर आ जाता है, मतलब जो यहां पर घात है वही यहां आंसर में आ जाती है उस केस में। तो ये बहुत बेसिक से सूत्र हैं, याद रखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इनका। नेक्स्ट है हमारे पास निश्चित समाकलन के गुणधर्म, कुल मिला के 7 गुणधर्म है, उनसे काम हो जाता है, 8वां भी दे रखा है लेकिन कोई मतलब का नहीं है, इनसे ही काम होता है अपना सारा का सारा, इसी से बना रखा है, मतलब 8वां जो अपन ने आखिरी में बनाया है इसी से एक और बना रखा है जबरदस्ती। खैर, पहला गुणधर्म है ए से लेके बी तक अगर आप समाकलन कर रहे हो, ए से बी लिखो एक्स का इंटीग्रेशन, ए से बी लिख दो टी का इंटीग्रेशन बराबर होता है, मतलब आप कभी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, एक्स को टी लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लिमिट नहीं बदलेगी, सिंपल चलता रहेगा मामला। ऐसे ही अगर ए से लेके बी आप लिमिट उल्टी करना चाह रहे हो, इसको घुमाना चाह रहे हो, बी से ए करना चाह रहे हो, तो माइनस लगाना पड़ेगा बाहर, और मान लो दोनों तरफ भी सेम आ गया ए से ए में तो जीरो हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर आप टुकड़े करना चाहते हो, ए से लेके बी जाना चाह रहे हो, तो आप उसको टुकड़े करके लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स है, आप 5 से 10 जाना चाहते हो तो आप 5 से 7 कर सकते हो एफ एक्स डी एक्स, और 7 से 10 कर सकते हो एफ एक्स डी एक्स, तोड़ सकते हो बीच में 7 पे, 5 से 7 अलग कर दिया, 7 से 10 अलग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये वाली प्रॉपर्टी है, मॉड फंक्शंस में यही प्रॉपर्टी लगती है हमेशा। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स है तो x की जगह पूरी लाइन में हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिमिट a से लेके b ही रहेगी। सेम ऐसे ही इसी का यूज लेकर के ये वाली बनाई गई है कि 0 से लेके a तक fx dx है,
तो x की जगह आप लिमिट माइनस x कर सकते हो, a माइनस x कर सकते हो पूरी लाइन में, और वो बराबर ही आता है। एक हमारी प्रॉपर्टी है ये वाली कि 0 से लेके 2a तक एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी है, खास तौर पे इकलौती प्रॉपर्टी है जिसमें 2a से लिमिट आधी होकर के a a हो गई है। बहुत कम क्वेश्चंस में काम आता है, लेकिन जहां काम आता है इसके बिना काम ही नहीं चलता है, मान के चलो आप, इतना कमाल का चीज है ये। तो 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो एक बार तो सिंपल एफ एक्स डी एक्स लिख दो 0 से लेके a में, एक बार लिमिट माइनस x करके लिख दो 0 से लेके a में, लिमिट माइनस x मतलब 2a माइनस x, x की जगह, तो एक बार 2a माइनस x वाला, एक बार सिंपल एफ एक्स वाला लिख दिया, तो ये इसके बराबर हो जाता है लिमिट हाफ करने पर। ऐसे ही अगर माइनस से प्लस लिमिट आ रही है, ये खास है, अगर माइनस से प्लस लिमिट आ रही है तो फलन पे निर्भर करेगा, उस केस में फलन चेक करो, जैसे माइनस टू से टू, माइनस फाइव से फाइव, माइनस सेवन से सेवन, माइनस से प्लस तक लिमिट आ रही है तो फलन को चेक करो कि फलन सम फलन है कि विषम फलन है। अगर फलन विषम फलन है, विषम फलन है तो तुरंत आंसर जीरो हो जाएगा, और अगर सम फलन है तो दो गुना हो जाएगा सीधा, जीरो से ए लिमिट हो जाएगी, माइनस ए से ए की जगह दो गुना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन कब, जब सम फलन है। सम फलन किसको बोलते हैं कि फलन में x की जगह माइनस एक्स रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस एफ एक्स आ गया। विषम फलन किसको बोलते हैं, फलन में x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस ओवरऑल बाहर आ गया, माइनस का एफ एक्स के बराबर आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो जीरो आंसर, अगर ऐसा हो रहा है तो टू टाइम्स हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ सूत्र थे जो 7.11 प्रश्नावली में काम के हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7.11 प्रश्नावली, मतलब एक क्वेश्चन 100% बनेगा, हो सकता है दो बन जाए, आपकी किस्मत है, वो तो एक तो बनेगा ही बनेगा, मतलब एक को तो रोक ही नहीं सकते आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब प्रश्नावली 8 की बात करें तो समाकलनों के अनुप्रयोग में कोई सूत्र नहीं है बच्चों, इसमें केवल ग्राफ है, वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इसका, तो ग्राफ ही ग्राफ बनाने हैं इसमें, इसमें कोई सूत्र नहीं है डायरेक्टली, है ना। बस ये है कि हाँ, ये कह सकते हो कि कोई भी समाकलन करना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका, अगर एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप लिखोगे उसको कि जो क्षेत्रफल है वो आता है वाई डी एक्स, जहां से भी जहां तक निकालना चाह रहे हो, ए से लेके बी तक। और दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि कभी कभी इस तरह के भी होते हैं फंक्शन कि यहां से लेके यहां तक आपको क्षेत्रफल निकालने को बोला जाता है, वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने को बोला जाता है, कहने का मतलब। और ये ए से लेकर के बी तक हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक, तो उस केस में जो क्षेत्रफल आता है वो आता है ए से लेके बी तक एक्स डी वाई लिखा जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो डी एक्स, y अक्ष से घिरा हुआ निकाल रहे हैं तो डी वाई, और y की लिमिट लगेगी। ये बस, बाकी तो कुछ खास है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नवा जो चैप्टर है हमारा, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें बस 9.1 प्रश्नावली में कोटि और घात निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोटि और घात निकालने वाले क्वेश्चंस में अवकल समीकरण की कोटि तो बोलते हैं, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि को ही देखो, कोटि निकालो या घात निकालो, बात तो यह है कि उच्चतम कोटि के अवकलज से ही मतलब है, भले ही आप कोटि निकाल लो या घात निकाल लो किसी भी अवकल समीकरण की, उसमें जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी जो कोटि होगी वही समीकरण की कोटि हो गई, और उसकी जो घात हो जाएगी वही अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। ये इसी के बारे में बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं। और क्या डिटेल दे रखी है कि कभी भी अवकल समीकरण, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो साइन एक्स के अंदर आ गया, ई की पावर एक्स के अंदर आ गया, log x के अंदर आ गया, मतलब किसी फलन के अंदर dy by dx, d2y by dx2, d3y by dx3, इस तरह से कुछ फंस गए, तो फिर उस केस में अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होती है, बाकी कोटि तो हमेशा परिभाषित होगी। अवकल समीकरण की कोटि हमेशा परिभाषित होती है, घात हमेशा परिभाषित नहीं होती है। घात परिभाषित होने के लिए आपको बहुपद समीकरण की जरूरत होगी, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश इनमें। लेकिन अगर ये लोग e की पावर के अंदर, log के अंदर, sin के अंदर, cos के अंदर, tan के अंदर इस तरह से आ जाएं, तो फिर वो बहुपद समीकरण नहीं माना जाता, तो फिर उस केस में घात परिभाषित नहीं होती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, वो है रैखिक अवकल समीकरण। बाकियों में तो किसी में सूत्र है नहीं, रैखिक अवकल समीकरण में दो फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट होता है कि dy by dx प्लस में px बराबर में q हो जाए, सॉरी px नहीं, py प्लस में py बराबर q हो जाए। दूसरा फॉर्मेट होता है कि dy by dx प्लस में p
dx by dy, सॉरी, प्लस में px बराबर में q हो जाए, यहां x से x मिल जाता है, y से y मिल जाता है। इस वाले फॉर्मेट में p और q क्या होते हैं? x के फलन। इस वाले फॉर्मेट में if क्या आता है? e की पावर में p dx का इंटीग्रेशन। इसमें जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है? जिस पे तीर है वो, इनटू में आई एफ बराबर में उस तरफ जो लिखा है वो, इनटू में आई एफ का होल इंटीग्रेशन। भाई यहां डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो यहां इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यहां भी इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां क्या परिवर्तन आएगा? एक्स से एक्स कनेक्ट हो गया, पूरी लाइन में एक्स कहीं नहीं दिखना चाहिए। तो पी और क्यू यहां पर क्या है फिर? पी और क्यू वाई के फलन है, एक्स के नहीं है, वाई के फलन है। उसके बाद आई एफ यहां पर क्या आएगा? e की पावर में वही p लेकिन dy आएगा, क्योंकि y यहां dx अपॉन dx लिख दिया क्या मैंने, क्योंकि y के सापेक्ष यहां अवकलन है, तो y के सापेक्ष समाकलन। और सॉल्यूशन क्या आएगा इस समीकरण का? सॉल्यूशन आता है जिस पे तीर है वो, इनटू में आई एफ बराबर में उस तरफ जो लिखा है वो, इनटू में आई एफ का होल इंटीग्रेशन। और ऑब्वियसली ये y के सापेक्ष है, इधर भी सब y के सापेक्ष ही चलेगा। क्लियर है? ये दो ही फॉर्मेट्स होते हैं अवकल समीकरण में, रैखिक अवकल समीकरण में। बाकी तो इसमें कई कई चीजें थी, चरों का पृथक्करण था, समघातीय अवकल समीकरण था, लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें तो बस मेथड है करने का, तो इसलिए अपन ने लिया नहीं। फॉर्मूले फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, 10th नंबर चैप्टर, ध्यान से देखिए 10वें चैप्टर में क्या दे रखा है हमारे को। 10वां चैप्टर है, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर इस तरह से ले रखे हैं, क्योंकि बहुत लंबा निकल जाएगा वरना। 11वें चैप्टर में मैं लिख के बता दूंगा यहाँ पर, 10वें चैप्टर के मैं केवल पढ़ करके बताऊंगा आपको। सब लोग ध्यान से सुने, किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है तो कैसे निकालते हैं? किसी बिंदु का स्थिति सदिश का मतलब यह है कि यहाँ पर एक बिंदु P दे रखा है आपको, वो एक्स वाई जेड है, और उसकी मूल बिंदु से अगर हम सीधी लाइन खींच दें, दिशा बना दें, मैं मूल बिंदु के सापेक्ष हमेशा स्थिति सदिश निकलेगा किसी भी बिंदु का। किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, इसका मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष निकलेगा वो, और किसी तरह से नहीं निकलता है। तो सिंपल सा होता है वो, आर वेक्टर बोल दो, ओपी वेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसका वेक्टर बनता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। सिंपल, आई जे के लगा दो एक्स वाई जेड के साथ में, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होगी या परिमाण कितना होगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होगा इसका परिमाण, जिसको लिखते हैं मॉड ओपी से या मॉड आर से। मॉड आर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि आर वेक्टर भी हम लोग इसको कह रहे हैं, मॉड आर भी कह सकते हैं। अब बात यह है कि जो भी आपके पास सदिश होता है ना, उसके साथ आई जे के साथ कौन है वो चेक कर लो, वही उसके दिक्कानुपात होते हैं। आई जे के साथ में एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड ही इसके दिक्कानुपात हो गए। दिक्कानुपातों को एबीसी से लिखा जाता है, तो ए का मान एक्स हो गया, बी का मान वाई हो गया, सी का मान जेड हो गया। दिक्कानुपात को एबीसी लिखते हैं हम लोग। अब बात आएगी एलएमएन की, दिक कोसाइन की। दिक कोसाइन होता है एलएमएन, एल का मतलब होता है, एल का मतलब है कॉस अल्फा, एम का मतलब है कॉस बीटा, और एन का मतलब है कॉस गामा। ये एलएमएन होते हैं, जिसमें एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, यह भी ध्यान होना चाहिए अपने को। तो एल का मान होता है हमेशा इससे निकलता है, जो दिक्कानुपात है उन दिक्कानुपातों को अगर परिमाण से भाग लगा दो, ये दिक्कानुपात है एक्स वाई जेड, और नीचे क्या है? परिमाण है। दिक्कानुपात को अगर परिमाण से भाग लगा देंगे तो वो दिक कोसाइन बन जाते हैं। तो एलएमएन इस तरह से निकाले जाते हैं, ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं कैसे निकालेंगे कि दिक्कानुपात तो तुरंत मिल जाएंगे, आई जे के साथ में जो है वो दिक्कानुपात है, उसको परिमाण से अगर भाग लगा दिया तो दिक कोसाइन बन जाएंगे हमारे पास में। ये इस तरह का हिसाब किताब है। गला ही फट गया मेरा यार, गले में दर्द हो गया बोलते बोलते, पानी भी नहीं है यहाँ, तो ये एक दो घूंट बचाया पी लेते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल तो गया, दूसरा जिंदा बचाया उसमें खोल लेता हूँ मैं, ताकि पता चलता रहे मुझे कि भैया हर बार की तरह आज नेटवर्क इशू तो नहीं है। मैं दूसरे स्टूडियो में आया हूँ आज, तो आज मुझे नहीं लगता कि दिक्कत रहेगी, जैसे पिछले कुछ दिनों से दिक्कत चल रही है ना, तो मैं दूसरे स्टूडियो में आया हूँ, तो अब लाइव में अटकेगी नहीं अपनी लाइव।
टेंशन नहीं है, मतलब इतनी हो जाएगा कार्यक्रम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ किसी बिंदु का स्थित सदिश। अब बात है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे निकालें। दो बिंदु है, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q, इन दोनों को मिला दिया तो ये सदिश कैसे आएगा। अब यहां दो सदिश बन सकते हैं, एक P से Q की दिशा में PQ वेक्टर हो सकता है, एक Q से P की दिशा में QP वेक्टर भी हो सकता है। अगर आपको PQ वेक्टर निकालना है तो हमेशा उल्टा करना होता है, Q में से P को माइनस करेंगे। अगर आपको PQ निकालना है तो Q माइनस P कर दो। Q मतलब Q फिलहाल यहां पर X2, Y2, Z2 है, तो X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1 लगा दो IJK के साथ में, तो PQ सदिश आ जाएगा X2 माइनस X1 I गैप, मतलब Q में से P के निर्देशांक घटेंगे हमेशा, उल्टा होता है। अगर आपको QP वेक्टर निकालना है तो P में से Q के निर्देशांक घटेंगे, तो X1 माइनस X2 I कैप, Y1 माइनस Y2 J कैप, Z1 माइनस Z2 K कैप आ जाएगा उस केस में। यहां उल्टा लिख दिया क्या, Y1 हाँ Z1 माइनस Z2 आएगा, ये उल्टा लिख दिया था। ये ध्यान देने की है, QP वेक्टर इस तरह से आता है, और जाहिर सी बात है PQ सदिश और QP सदिश में दिशा का फर्क है, तो माइनस लगा के दिखाते हैं इसको। PQ वेक्टर बराबर होता है माइनस का QP वेक्टर के। अगर आप यूं घुमा दोगे तो माइनस लग जाएगा, जैसे निश्चित समाकलन में सीमा घुमा देते हैं तो माइनस लग जाता है, वैसे यहाँ पे सदिश में भी यही है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास PQ सदिश है, इसके दिकानुपात कैसे लिखोगे, आई जे और के साथ जो है वो दिकानुपात ही है, तो PQ के दिकानुपात X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1 हो गए, बात खत्म। अगर आप इसके दिक कोसाइन निकालना चाह रहे हो, एलिमेंट निकालना चाह रहे हो, तो जो दिकानुपात हैं उनको उसके परिमाण से भाग लगा दो, वो दिक कोसाइन हो जाएंगे। परिमाण क्या होता है, जो दिकानुपात है उनके स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब आई जे के साथ में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो और होल अंडर रूट ले लो, वो आपका परिमाण होता है। और जैसे ही दिकानुपातों को परिमाण से भाग लगाओगे आपके पास दिक कोसाइन मिल जाएंगे, आपको एलिमेंट मिल जाएंगे उस केस में। तो ये जैसे X2 माइनस X1 को उसके परिमाण से भाग लगाया, L आ गया, Y2 माइनस Y1 को उसके परिमाण से भाग लगाया, M आ गया, Z2 माइनस Z1 को उसके परिमाण से भाग लगाया, N आ गया हमारे पास। इस तरह से एलिमेंट निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश भी अगर आपके पास में है तो दिकानुपात दिक कोसाइन सब निकल जाएगी, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। हाँ जीतू सर वाला ही है एकांत, इसमें लाइट कुछ ज्यादा ही चमकती है। तो मेरा फेस कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, रोशन हो रहा है, बस ये समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा स्पीड से ले रहा हूं, गैप नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि वीडियो छोटे से छोटा बने। उससे ये बेनिफिट है कि जिसको जिसका पढ़ा हुआ है सारा का सारा, उसको तो फास्ट ही चाहिए रिविजन, वैसे भी रिविजन ही चाहिए तो फास्ट ही होना चाहिए, और जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो वीडियो की स्पीड को स्लो कर लो, 0.75 का ऑप्शन आता है यहाँ पर, और दो दो बार देख लो, क्या दिक्कत है, काम खत्म। तो फास्ट वालों के, स्लो वालों के, सबके काम हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में एक तो शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश में कुछ खास नहीं है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होने चाहिए। जैसे ये शून्य सदिश है, कुछ नहीं इधर उधर कुछ नहीं गए, ये भी शून्य सदिश है कि ए से गए पहले बी, फिर बी से गए सी, फिर सी से वापस आ गए ए, तो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट ए ही था, एंड पॉइंट भी ए ही है, तो वो भी शून्य सदिश ही है। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी शून्य सदिश ही है, या फिर ए से ए आ गए, बी से बी आ गए, शून्य सदिश है ना। तो परिमाण तो जीरो होता है और दिशा कुछ भी कह लो, कोई बात नहीं है। मात्रक सदिश की बात करें, अगर यूनिट वैक्टर बड़े काम की चीज है, मात्रक सदिश का बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक सूत्र भी दे रखा है यहां पर। मात्रक सदिश होता है जिसका परिमाण एक मात्रक हो, जैसे ये एक वेक्टर है ए, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, परिमाण निकाला और वह एक के बराबर आ गया, तो वह मात्रक सदिश है, परिमाण एक होता है। सिंपल सी कहानी यह है मात्रक सदिश में, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। और ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर किसी सदिश को उसके परिमाण से ही भाग लगा दिया, परिमाण पांच था, पांच से ही भाग लगा दिया, तो परिमाण एक ही बचेगा, सिंपल सी बात है। तो मोटे मोटा कॉन्सेप्ट इतना ही है इसके पीछे कि अगर किसी सदिश का आपको मात्रक सदिश निकालना है तो उसके परिमाण से भाग लगा दो, वो मात्रक सदिश आ जाता है अपने आप, टेंशन नहीं खत्म उसकी। नेक्स्ट है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश का मतलब है को इनिशियल वैक्टर्स, ऐसे वैक्टर्स जिनका शुरुआती बिंदु सेम हो।
ये ए वेक्टर भी यहीं से शुरू हो रहा है, बी वेक्टर भी यहीं से शुरू हो रहा है, सी वेक्टर भी यहीं से शुरू हो रहा है, जिनका शुरुआती बिंदु सेम है उनको बोलते हैं सह आदिम सदिश, और कोई बात नहीं है। संरेख सदिश का मतलब है जो समानांतर होते हैं, समानांतर में दिशा यूं भी हो सकती है, दिशा विपरीत भी हो सकती है, दिशा 0 डिग्री वाली भी हो सकती है, 180 डिग्री वाली भी हो सकती है, बस समानांतर होना चाहिए। संरेख सदिश को शॉर्ट में आप कह सकते हो समानांतर, बाकी संरेख से कंफ्यूज नहीं होना, समानांतर ही होता है बस। ये एबीसी सब यूं ही चल रहे हैं, कुछ यूं चल रहे हैं, एक यूं चल रहा है, लेकिन है समानांतर ही। तो एबीसी तीनों के तीनों संरेख सदिश हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, समान सदिश। समान सदिश का मतलब जिसकी दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो, तो उसको समान सदिश बोलते हैं। परिमाण और दिशा दोनों समान होने चाहिए, सिंपल सी बात यह है, भले ही वो दोनों अलग अलग दूरियों पे हों एक दूसरे से, लेकिन दिशा समान है, परिमाण मतलब लंबाई समान है, तो उसको समान सदिश बोलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो सकते हैं दोनों के, ये बड़ी खास बात थी इसकी। ऋणात्मक सदिश किसको बोलते हैं? अगर एक सदिश है जिसकी दिशा ये है, इसकी दिशा को उल्टा कर दोगे, परिमाण उतना ही रखोगे, लंबाई उतनी ही रखोगे, बस दिशा बदल दोगे, 180 डिग्री शिफ्ट कर दोगे दिशा, तो उसको ऋणात्मक सदिश बोलते हैं, और कुछ बात नहीं है, सिंपल सी बात ही है। इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा उल्टी हो गई, यूं चले गई है, तो ये ऋणात्मक सदिश की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सदिशों का योगफल। सदिशों के योगफल के दो नियम हैं, एक है त्रिभुज नियम, एक है समांतर चतुर्भुज नियम। त्रिभुज नियम ये कहता है कि अगर सदिश जिनको जोड़ना है वो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हैं, संलग्न भुजाएं एक ही दिशा में जाती हुई, तो जो तीसरी भुजा है वो उल्टी दिशा में अगर हम बनाते हैं तो वो उसका योगफल होता है, या कह लो परिणामी सदिश होता है। ए बी और बी सी का परिणामी सदिश ए सी है, यहां पर त्रिभुज की दो भुजाओं से कर रहे हैं, तीसरी भुजा जो है उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई वो उसका परिणामी होता है, या कह लो कि योगफल होता है। योगफल बोलो, परिणामी बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ए सी बराबर हो जाएगा यहां ए बी प्लस बी सी के। समांतर चतुर्भुज नियम भी होता है कि अगर मान लो आपके पास एक सदिश इस तरह से है और एक तरह सदिश इस तरह से है, जिसको समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं से निरूपित कर सकते हैं दूर जाते हुए, तो जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो विकर्ण उनका परिणामी कहलाता है, या कह लो कि उनका योगफल सदिश कहलाता है। तो विकर्ण हो गया ए प्लस बी वैक्टर, अगर ये ए और ये बी वैक्टर है तो दो ही नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम या फिर त्रिभुज नियम, किन्हीं भी दो सदिशों को जोड़ने के लिए, कुछ खास बात नहीं है वैसे ये। आगे बढ़ते हैं, एक अदिश से सदिश का गुणन अगर करना हो तो कैसे करते हैं? मान लो एक सदिश है ए वेक्टर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो दिशा तो सेम ही रहेगी भाई, किसी अदिश से किसी सदिश का गुणा कर रहे हो तो दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ परिमाण पे। ये ए है, इसका परिमाण इसका डबल हो गया, 2a हो गया, 1/2a, इसका भी आधा हो गया, माइनस का 3/2a, दिशा भी उल्टी हो गई, परिमाण भी डेढ़ गुना हो गया। तो ये इस तरह से चलता है कार्यक्रम सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट है सदिश के घटक। अगर कोई भी सदिश आपको इस तरह से दे रखा है, कोई भी इस तरह से सदिश आपको दे रखा है, तो उसके घटक कैसे लिखोगे? भाई आई जे के साथ में जो है वो उसके अदिश घटक है। आई के साथ में एक्स है, जे के साथ में वाई है, के साथ में जेड है, वो इसके अदिश घटक हैं। और आई जे के लगा के लिख दो तो वो सदिश घटक है। एक्स आई कोमा वाई जे कोमा जेड के, ये इसके सदिश घटक हैं। तो कुछ खास बात नहीं है, मतलब बहुत बेसिक सी बातचीत है, आगे कुछ खास आएगी अब। हाँ, अब संरेखता की शर्त, अगर दो सदिश हैं, एक सदिश है ए वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k, दूसरा सदिश है बी वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये संरेख होंगे यदि पहला सदिश दूसरे का कुछ गुणज हो, a बराबर लैम्डा टाइम्स b हो, तो उसको संरेख सदिश बोलते हैं या समानांतर बोल देते हैं। इसी को सदिश की जगह कार्तीय रूप में लिखें तो A1 बटे A2 बराबर हो जाए, B1 बटे B2 बराबर हो जाए, C1 बटे C2 के, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई दोनों के दोनों सदिश जो हैं संरेख हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, खंड सूत्र मतलब सेक्शन फॉर्मूला। खंड सूत्र क्या होता है? दो सूत्र होते हैं खंड सूत्र में बेसिकली। खंड सूत्र यह है कि आप बचपन में सीखे हो कि अगर ये पी है, ये क्यू है, इसको आर बिंदु एम अनुपात एन में परिभाषित कर रहा है, तो इस बिंदु आर के निर्देशांक हम लोग निकाला करते थे, सेम वही है।
यहां पर भी सेम PQ ही है, ये रहा PQ, ये रहा R, तो R इसको M अनुपात N में परिभाषित कर रहा है। बस ये है कि अभी PQR तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश पता है अपने को, OP, OQ, OR, तो उसके हिसाब से इस बार R बिंदु के निर्देशांक नहीं निकालेंगे, सीधा सदिश निकालेंगे R वेक्टर। वो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही सेम M इंटू OQ, N इंटू OP, M इंटू OQ, N इंटू OP और नीचे M प्लस N, सेम जो ये बचपन में सूत्र पढ़ते थे अपन 10वीं 11वीं में, सेम सूत्र यहां पर लग गया है, बस सदिश के रूप में क्रॉस M इंटू Q वाला, N इंटू P वाला और नीचे M प्लस N। ये तो आंतरिक विभाजन में है। अगर बाह्य विभाजन हो रहा है तो बाह्य विभाजन का मतलब यह है कि P और Q तो ये रही लाइन, R अलग ही चल रहा है दुनिया में, वो बाहर की तरफ है, ये रहा आर पॉइंट, तो बाहर उस PQ के अंदर है ही नहीं, PQ के अंदर है R बिंदु तो अंतः विभाजन या आंतरिक विभाजन, इस PQ के बाहर है R तो वो बाह्य विभाजन में काउंट होता है। बाह्य विभाजन में सिंपल सी कहानी है, बस बीच में यहां प्लस की जगह दोनों जगह माइनस आ जाएंगे और कोई अंतर नहीं है, इन दोनों प्लस की जगह माइनस आ जाते हैं, बाकी सेम फॉर्मूला होता है, तो आराम से याद किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इसको 10वीं क्लास के हैं, 11वीं क्लास के हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो सदिशों का गुणन। अब दो सदिशों के दो तरह के गुणन हो सकते हैं, अगर दो सदिश को गुणा कर रहे हो तो दो तरह के गुणा हो सकते हैं, एक हो सकता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, एक हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अदिश गुणन और सदिश गुणन दो तरह के गुणन हैं और उसमें ढेर सारे सूत्र बनते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। अदिश गुणन होता है ए डॉट बी, जिसको ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और ए डॉट बी एक अदिश राशि ही आती है, रिजल्ट इसका अदिश राशि ही आती है। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर भी होता है, सही बात है, अदिश है बराबरी आएगा। यदि ए और बी लंबवत हैं, दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आती है, दो सदिश अगर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और दो सदिशों के बीच में कोण निकालना है तो कॉस थीटा का सूत्र यहीं से आ जाता है कि ए डॉट बी और इन दोनों का परिमाण का भाग लगा दिया, तो दो सदिशों के बीच में कोण भी निकालना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत जगह काम आता है ये कि ए के परिमाण का स्क्वायर ए डॉट ए के बराबर आ जाएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा कि ए के परिमाण का स्क्वायर जो है वो ए डॉट ए के बराबर आता है। एक और इंपॉर्टेंट सूत्र है अदिश गुणन के सापेक्षी, ए पर बी, ए सदिश पर बी सदिश का प्रक्षेप अगर हम ले रहे हैं, ये ए सदिश है नीचे, ये बी सदिश है यहां पर, बी सदिश को ए सदिश पर यूं सीधा एकदम एकदम नीचे गिरा दे रहे हैं, तो वो जो बनती है लंबाई, ये लंबाई जो है ये ही प्रक्षेप है, और वो निकालते कैसे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, और जिस पर गिरा रहे हो ए पर, तो ए का ही परिमाण नीचे, ऐसे याद रखो आप, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पर बात चल रही है उसका परिमाण नीचे आएगा, सिंपल सी बात है, और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है हमारे पास सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्या होता है, ध्यान से देखने वाली चीज है, सदिश गुणनफल है कि अगर ए क्रॉस बी आपके पास है तो ए क्रॉस बी को लिखते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, इसको बोला जाता है सदिश गुणनफल, है ना, जहां पर ए क्रॉस बी एक सदिश राशि आती है, ए क्रॉस बी एक सदिश राशि आती है मतलब, और ए क्रॉस बी जो है वो ए तथा बी दोनों के लंबवत सदिश है, एक सदिश ए है एक सदिश बी है, वो जैसे भी हैं, ए क्रॉस बी उन दोनों के परपेंडिकुलर है, हमेशा ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी उन दोनों के परपेंडिकुलर है, या कह लो कि ये जो एन वेक्टर है वो ए क्रॉस बी की दिशा में ही है, ए क्रॉस बी का ही मात्र सदिश है वो, तो एन वेक्टर जो है ए और बी दोनों के लंबवत होता है, यहां पर लिखा भी है ए क्रॉस बी लंबवत है ए के तथा ए क्रॉस बी लंबवत है बी के, दोनों के लंबवत है ये। इसके बाद ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस के बी क्रॉस ए के, ये नेगेटिव साइन के बराबर हो जाता है। उसके बाद यदि ए और बी दोनों संरेख हैं, अगर दो संरेख सदिश हैं समानांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, ए क्रॉस ए जीरो बी क्रॉस बी जीरो, खुद का खुद से क्रॉस करना है तो जीरो हो जाएगा हमेशा, क्योंकि कोई खुद के तो समानांतर ही होता है ना, तो खुद का खुद से क्रॉस जीरो आता है, बाकी दो अगर संरेख सदिश हैं तो वो भी जीरो ही हो जाएंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। दो सदिशों के बीच कोण निकालने का एक सूत्र ये भी है, अगर यहां से जाना है तो साइन थीटा बराबर इसका परिमाण ले लो, इसका परिमाण लोगे तो एन कैप हट जाएगा,
और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसलिए हम लोग सदिशों के बीच में कोण निकालने के लिए तो यही सूत्र काम में लेते हैं, या ज्यादा इजी पड़ता है अपने को, इसलिए ये वाला काम में लेते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 टाइम्स आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब अगर आपके पास त्रिभुज की एक भुजा को ए वेक्टर से लिख रहे हैं अपन, त्रिभुज की दूसरी भुजा को बी वेक्टर से लिख रहे हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाला जा सकता है। ए क्रॉस बी निकालो, उसका परिमाण ले लो और 1/2 कर दो, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे ही सेम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, बस उसमें 1/2 नहीं आता है। तो समांतर चतुर्भुज की अगर दो भुजाओं को अगर मैं ए और बी से लिखूं, ये ए है और ये बी है, तो उसका क्षेत्रफल आएगा ए क्रॉस बी का परिमाण। अब ये मैंने एप्लीकेशन पे गया अलग से पढ़ाया था, ये आपकी बुक के पीछे दे रखा है, बुक के आगे दे ही नहीं रखा है। 10.4 प्रश्नावली तक का तो काम खत्म हो चुका है, ये बुक के पीछे एक नई प्रश्नावली बना करके दे रखी थी और एप्लीकेशन पे पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड डिटेल है। तो यहां पर तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, और जिन्होंने पढ़ा है टॉपिक वो लोग इसको पढ़ के समझ जाएंगे, इतना सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक आप खुद से एक बार देखना, ये PDF आपको मिली जाएगी, ये इतना बड़ा टॉपिक है ना। ये 10वां और 11वां जो मुद्दा है वो एक बार आप घर पे शांति से देखना, ये अपने ने पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, बुक के पीछे का टॉपिक है, अलग से टॉपिक था ये, इसको आप आराम से देखना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये PDF मिली जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रश्नावली 11, भारी प्रश्नावली, एक एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, चिंता की बात ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 11वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले बता दो, 11वीं के फॉर्मूले बता दो, देख लो आज केवल फॉर्मूले ही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, टेंशन ही खत्म आप लोगों की जिंदगी की, है ना। ज़्यादा देर नहीं करेंगे अपन, मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, और आज का तो कंपैरेटिवली छोटा ही गया वन शॉट देखा जाए तो। आप लोग बस लास्ट तक बने रहो और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, आप लोगों में से किन किन को बहुत सारे फॉर्मूलेस पता थे, याद थे, रिवाइज हुए कि नहीं हुए, ये सब मेरे को कमेंट करके आपके जो भी सुझाव हैं, बातें हैं, सब बताना, ठीक है। पढ़ूंगा मैं आप लोगों के कमेंट जरूर। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन और दिक्कानुपात क्या होते हैं, ये हमने वैसे कर लिया है, लेकिन फिर भी तो सदिशों के साथ जो होता है वही रेखाओं के साथ होता है, कुछ विशेष बात नहीं है। जैसे मान लो एक बिंदु P है, एक Q है, और P से Q, PQ एक P है X1 Y1 Z1 और Q है X2 Y2 Z2, तो जो PQ रेखा के दिक् अनुपात हैं, PQ अगर रेखा मान लूं मैं, दोनों को माइनस कर दो, X2 माइनस X1 ले लो, या X1 माइनस X2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, ये इनके दिक्कानुपात हो जाते हैं माइनस करते ही। जैसे PQ वेक्टर नहीं होता, PQ वेक्टर भी X2 माइनस X1 आई कैप, Y2 माइनस Y1 जेड कैप, Z2 माइनस Z1 के कैप आएगा, तो उसी तरह से बनाया है ये। और दिक् कोसाइन अगर लेने हो तो, दिक् कोसाइन अगर बनाने हो तो वो आएगा X2 माइनस X1 और PQ वेक्टर का परिमाण, Y2 माइनस Y1 और PQ वेक्टर का परिमाण, Z2 माइनस Z1 और PQ वेक्टर का परिमाण, ये अपने दिक् कोसाइन आते हैं किसी भी रेखा के लिए, अगर दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा है तो। सदिश की तरह ही चलता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की तरह ही दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन आते हैं, कुछ विशेष अंतर नहीं है, ध्यान रखने वाली बात यह है। अब बात करेंगे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। तो रेखा के समीकरण के हमारे पास दो रूप थे, एक रूप था कि एक दिए गए बिंदु से जाने वाली, ये एक रेखा है जिसका समीकरण हम लोग निकालना चाह रहे हैं, एक बिंदु A यहां पर दे रखा है, X1 Y1 Z1 है, और एक सदिश हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, ये एक समानांतर सदिश है, बी वैक्टर है ये, जो इस रेखा के समानांतर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो रेखा का समीकरण आता है R is equal to a plus lambda b, इस रेखा का समीकरण आएगा। लेकिन ये सदिश रूप है, इसका कार्तीय रूप भी हमारे को पता होना चाहिए, कार्तीय रूप होता है x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c, ये इसी रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप है, याद आया, जहां पर a b c क्या है, ये इस समांतर सदिश के दिक्कानुपात है, ai कैप, BJ कैप, CK कैप, ये इस समांतर सदिश के दिक्कानुपात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले की बात करें,
तो दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अगर निकालना हो तो ये रेखा का समीकरण निकालना है और इस पे दो बिंदु दे रखे हैं। इस बार मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये इसके निर्देशांक एक्स वन वाई वन जेड वन ही है, इसके निर्देशांक एक्स टू वाई टू जेड टू ही है। ए और बी मत मानो, ऐसा करो पी क्यू मान लो आप इनको, पी क्यू मान लेता हूं मैं इसको, पी और इसको क्यू ले लो। ये है एक्स वन वाई वन जेड वन और ये है एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। तो ये होता है R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, पी क्यू नहीं ए बी मानो यार, सही रहेगा ए बी से ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये ए है ये बी है। R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये सूत्र होता है इसका। ये तो है सदिश रूप, कार्तीय रूप लिखे तो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर में y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये इसका कार्तीय रूप आ जाता है। सिंपल सी बात ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेखा के समीकरण की बात हो गई है तो अब बात करेंगे दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकालना है। भाई दो रेखाओं के बीच में कोण निकालने के लिए दोनों रेखाओं के आपको समीकरण तो पता होने चाहिए ना। दो रेखाओं के बीच में कोण आप थीटा निकालना चाह रहे हो तो इस रेखा का समीकरण है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी और इस रेखा का समीकरण है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा नहीं म्यू करो, यहां पर ए वन बी वन, यहां ए टू बी टू लोगे आप। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको कोण निकालना है तो कॉस थीटा का सूत्र है बी वन और बी टू के बीच में कोण निकाल लो, बेसिकली जो इनके समांतर सदिश हैं उनके बीच में अगर आप कोण निकाल लोगे तो वही हमारे माने जाते हैं दोनों रेखाओं के बीच में कोण, कॉस थीटा। ये न्यून कोण निकालते हैं हम लोग बेसिकली, तो इसके मॉड लगा करके लिखते हैं। मॉड लगाने का मतलब ही यह है कि हम केवल न्यून कोण निकालना चाह रहे हैं, अधिक कोण नहीं निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी तो दो कोण होते हैं, थीटा भी होता है, 180 माइनस थीटा भी होता है, लेकिन हम लोग केवल कॉस थीटा निकाल रहे हैं, न्यून कोण निकाल रहे हैं। समांतर रेखाओं की शर्त, अगर दो रेखाएं समानांतर ही हैं तो क्या शर्त होगी उस केस में। समानांतर होने का मतलब यह है कि दोनों रेखाओं के जो समांतर सदिश हैं उनके दिक्कानुपात ए वन अपॉन ए टू बराबर हो जाएगा बी वन अपॉन बी टू बराबर हो जाएगा सी वन अपॉन सी टू के, समांतर रेखाओं की ये शर्त है। लंबवत रेखाओं की शर्त होती है ए वन ए टू प्लस में बी वन बी टू प्लस में सी वन सी टू बराबर में जीरो हो जाता है, आपको याद आ रही होगी कुछ कुछ। ये समांतर रेखाओं की शर्त और लंबवत रेखाओं की शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच में दूरी, दो रेखाएं हैं एकदम अलग अलग तलों पे है, दूर दूर है दो रेखाएं, उनके बीच में दूरी कितनी आएगी। उनके बीच में दूरी होती है, दूरी का सूत्र होता है मैं लिख देता हूं, दो रेखाएं मान लो इसी तरह से दो समीकरण है, मतलब रेखा के समीकरण तो आपको यही मानने हैं, दो रेखाओं के जब भी मानने हैं आप ऐसे मान लो, है ना। R इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा, लैम्डा तो नहीं म्यू बी टू, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं जिनके बीच में दूरी निकालना चाह रहे हैं, तो वो आएगी बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू का परिमाण। और ऑब्वियसली दूरी है तो नेगेटिव लेते नहीं है इसलिए मॉड लगा रहे हैं, और कोई बात नहीं है, याद रखना पड़ेगा, बड़ा फॉर्मूला है मैं मानता हूं लेकिन याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। और दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी, समांतर रेखाओं में ये खास बात है कि R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है, तो दूसरा वाला R इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी आएगा, मतलब यहां बी वन बी टू नहीं होता, यहां ए वन ए टू जरूर हो जाता है लेकिन बी वन बी टू नहीं होता है, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो समांतर सदिश दोनों के बराबर ही होंगे। समांतर रेखाओं को ऐसे ही पहचानते हैं कि यहां पर और यहां पर अगर सेम चीज है इसका मतलब वो समांतर सदिश है, और अगर समांतर सदिश है तो उनके बीच की जो दूरी होगी बी वन क्रॉस बी टू की जगह सिंपल बी हो जाता है उस केस में, यहां आ जाएगा बी, उसके साथ क्रॉस होगा ए टू माइनस ए वन और इसका लोगे आप परिमाण, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर आएगा, आप इसका परिमाण ले लो और नीचे बी का परिमाण ले रहे हैं, ये हमारे पास जो आता है वो आता है दो समांतर रेखाओं के बीच में दूरी का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है हमारे पास समतल का समीकरण। समतल के समीकरण के चार रूप हैं, चार रूप हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं चार रूप ध्यान से देखिए। पहला रूप है, माता जी का ही फोन आ गया घर से, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण है कि भैया ये समतल है, इसकी अगर मूल बिंदु से दूरी पता है, ये है मूल बिंदु मान लीजिए, ये समतल है जिसकी मूल बिंदु से दूरी आपको पता है, ये मूल बिंदु है,
पहला जो फॉर्मेट है वो ये है अभिलंब रूप में कि मूल बिंदु से दूरी मान लो समतल की डी है और समतल पर अभिलंब सदिश का भी मात्रक सदिश मतलब जो है वो एन कैप दिया हुआ है, तो इसका जो समीकरण बनता है वो बनता है अपना आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये हमारे पास समीकरण बनता है। ठीक है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी अपने को ध्यान रखना है, जहां पर डी क्या है मूल बिंदु से दूरी और यहां एन कैप है ना कि एन वेक्टर है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका कोई कार्तीय रूप लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इज इक्वल टू डी होता है, एल एम एन इसके दिक्कानुपात होते हैं, दिक्कानुपात तो क्या दिक कोसाइन ही कहोगे, दिक कोसाइन और दिक अनुपात बराबर ही रहेंगे अगर मात्रक सदिश है तो, वो एल एम एन ही होते हैं, ए बी सी तो होते ही नहीं है उस केस में। दूसरा है एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब इस बार आपको एन वेक्टर दे दिया, ये एन वेक्टर दे रखा है प्रॉपर और यहां पर एक बिंदु भी दे रखा है मान लीजिए ए जो है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो उस केस में समीकरण बनता है समतल का आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये तो लेकिन सदिश रूप है, अगर इसको कार्तीय रूप में बदलें तो एन वेक्टर जनरली हम लोग पूरे चैप्टर में ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप ही लेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें इसको। और इसका जो दूसरा रूप बनता है वो दूसरा रूप बनेगा अपना ए एक्स माइनस एक्स वन इंटू में ए प्लस में बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस में सी इंटू जेड माइनस जेड वन और इक्वल में आ रहा है क्या जीरो। ये हमारे पास सदिश रूप से कार्तीय रूप, ये तो सदिश रूप हो गया और इसका कार्तीय रूप भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है मैंने, जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसका लिखूंगा, बाकियों की जरूरत नहीं है, इसका वैसे जरूरत नहीं है मिटा दो तो भी चलेगा, इसका जरूरत है तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है। दो फॉर्मेट्स तो ये हो गए, बाकी के दो देखो। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब अगर आपके पास तीन अलग अलग बिंदु दे रखे हैं समतल पे, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है एक बिंदु सी दे रखा है, ए बिंदु के निर्देशांक एक्स वन वाई वन जेड वन है, बी के एक्स टू वाई टू जेड टू है और सी के एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री है, तो तीन बिंदुओं के निर्देशांक अगर आपके पास में हैं तो इस समतल का जो समीकरण आएगा वो आएगा आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए और इक्वल में जीरो। ये हमारे पास उस समतल का समीकरण आएगा। ये तो सदिश रूप है, कार्तीय रूप भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। अरे भाई डॉट हट जाए यार, इतना क्या टाइम ले रहा है, नखरे ही खत्म नहीं हो रहे दुनिया में, बताओ ये डॉट नहीं हट रहा। हाँ जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन का जो सारणिक है वो जीरो के बराबर आएगा। ये इसका कार्तीय रूप होता है बेसिकली, ये तो समतल के समीकरण का कह लो कि सदिश रूप है, ये अपने पास कार्तीय रूप है समतल के समीकरण का कार्तीय रूप है, इसको ऐसे ही फर्जी मत समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ फॉर्मेट है समतल के समीकरण का ही, वो है समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप का मतलब ये हो गया कि अगर समतल आपको एक्स वाई और जेड अक्ष पे ए बी सी बिंदुओं पर काट रहा है, ए बिंदु यहाँ पर आ गया, बी बिंदु यहाँ पर है, सी बिंदु मतलब एक्स अक्ष को ए जीरो जीरो पे काट रहा है, वाई अक्ष को जीरो बी जीरो पे काट रहा है, जेड को जीरो जीरो सी पे काट रहा है, अगर कोई ऐसा समतल है जो निर्देशांक अक्षों पे ए बी सी अंतःखंड बना रहा है तो उस समतल का समीकरण होता है एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी प्लस में जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। ध्यान रखना है अपने को, इसका केवल कार्तीय रूप काम का है, सदिश रूप काम का नहीं है, तो इसलिए केवल इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ज्यादा कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये चार फॉर्मेट्स हैं समतल के समीकरण के रूप के, चार ही होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है दो रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त। एक और था वैसे,
एक और था वो यहां लिखना रह गया है, पांचवा है दो समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाले तीसरे समतल का समीकरण, वो होता है आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू बराबर डी वन प्लस लैम्डा डी टू। तो ये भी विशेष है, इसको भी ध्यान रखना, पांचवे नंबर पे ध्यान रख लेना इसको, मैं लिखना भूल गया इसको, कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतलों के जो समीकरण होते हैं वो इससे निकाले जाते हैं, आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू बराबर डी वन प्लस लैम्डा डी टू, जिसमें से एक समतल का समीकरण है आर डॉट एन वन बराबर डी वन, मतलब इसमें से कौन से दो समीकरण है, ये है आर डॉट एन वन बराबर डी वन और दूसरा है आर डॉट एन टू बराबर डी टू। ये दो समतल हैं जिन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से कोई तीसरा समतल गुजर रहा है वो समीकरण ये लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं एक्चुअल में, 11.3 से बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है दो रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त। दो अलग अलग रेखाएं हैं, मान लीजिए दो रेखाएं किस तरह की हैं, एक है r बराबर a प्लस लैम्डा b और एक है r बराबर a प्लस म्यू b। तो यहां पर a1 b1 a2 b2 है। इन दोनों रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त यह है कि a2 माइनस a1 जो है उसको डॉट कर लो b1 क्रॉस b2 के साथ में, वो इक्वल में जीरो आ जाता है। अब हमें पता है a1 क्या है, x1 y1 z1 है, ए टू क्या है, एक्स टू वाई टू जेड टू है, बी वन क्या है, ए वन आई बी वन जे सी वन के है, बी टू क्या है, ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप है। तो ये तो सदिश रूप है, इसी का कार्तीय रूप भी बन जाता है, अगर आप ध्यान रखना चाहें तो बिल्कुल ध्यान रखें, बाकी इसी से बना सकते हैं, बना भी सकते हैं अगर आप अच्छे खासे होशियार हैं इस चैप्टर में, तो ईजिली बन जाता है। बाकी ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ये इसके दिकानुपात हैं और a2 टू माइनस ए वन के दिकानुपात ये हैं, इनका सारणिक जो है शून्य के बराबर आएगा। ये हमारे पास एक और कंडीशन है, ये कार्तीय कंडीशन हो गई, ये सदिश रूप में कंडीशन हो गई, तो ऐसे ध्यान रखना है अपने को। दो समतलों के बीच का कोण निकालना हो तो दो समतल आपके पास हैं r डॉट एन वन बराबर डी वन और डी वन पे वैक्टर कहाँ लगा रहा हूँ मैं, आर डॉट एन टू बराबर में डी टू, ये दो समतल हैं, इनके बीच में कोण अगर cos थीटा निकाल रहे हो तो वो निकलेगा n1 और n2 के बीच में कोण, n1 और n2 के बीच में अगर कोण निकालते हैं तो यही सूत्र है, वही दो समतलों के बीच में। इसके भी मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग न्यून कोण निकालते हैं, अधिक कोण नहीं निकालते हैं। मॉड लगाने का मतलब है cos थीटा पॉजिटिव आएगा वो न्यून कोण होगा, पाई में से माइनस करोगे अधिक कोण मिल जाएगा अगर चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। ये एक समतल है हमारे पास में, उसकी इस बिंदु से दूरी निकालना चाह रहे हैं हम लोग। बिंदु है हमारे पास कौन सा, x1 y1 z1 और समतल है हमारे पास कौन सा, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी बराबर में जीरो। तो ये जो दूरी होती है पी क्यू, उसका सूत्र है साधारण सा, पी क्यू होता है हमारे पास ये बिंदु यहां रख दो, x की जगह रख दिया, y की जगह y1 रख दिया, z की जगह z1 रख दिया, बाकी पूरा समीकरण एज इट इज है, इक्वल में जीरो है। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल अंडर रूट और दूरी है तो मॉड लगाएंगे, सिंपल सी कहानी ये है साहब। दो समतलों के बीच में दूरी निकालनी हो तो दो समतलों के बीच में तभी निकालोगे आप जब दो समानांतर हों समतल, दोनों समतल एक दूसरे के अगर समानांतर हैं तो ही आप उन दोनों के बीच में दूरी निकालोगे, है ना। ये दूरी PQ मान लेता हूं मैं, जिसमें से एक समतल तो आपके पास है R डॉट n इज इक्वल टू डी वन, दूसरा है R डॉट n इज इक्वल टू डी टू, दोनों का लंबवत सदिश सेम ही रहेगा, वही दो समांतर समतल होते हैं, दो अगर समानांतर है तो दोनों का लंबवत सदिश तो सेम ही आएगा ना, दोनों समतल अगर समानांतर ही हैं तो दोनों समतलों का लंबवत सदिश तो सेम ही आने वाला है, उसमें क्या अंतर आने वाला है, सेम ही आएगा वो तो इसलिए उनके बीच में दूरी जो PQ होती है वो होती है D1 माइनस D2 अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल अंडर रूट। मॉड तो इसलिए ताकि नेगेटिव ना हो, बाकी कोई बात नहीं है, ये PQ आ जाती है दो समतलों के बीच की दूरी।
नेक्स्ट बात करते हैं, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। एक रेखा और एक समतल के बीच में कोण का मतलब है, रेखा तो है हमारे पास में आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और समतल हमारे पास में होता है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। रेखा में महत्वपूर्ण यह है कोण के लिए, समतल में महत्वपूर्ण यह है कोण के लिए। बस ध्यान नहीं देना है कि यहां पर साइन थीटा निकलता है ना कि कॉस थीटा। अब इसका कुछ लॉजिक है वो अपन ने सीखा था, फिलहाल तो मैं केवल आपको रिवाइज करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, और कुछ बात नहीं है। तो बी और एन के बीच में जैसे कोण निकालने का सूत्र होता है वैसे साइन थीटा यहां पर लगा दो और कॉस थीटा की जगह बस साइन थीटा लगा दो और इन दोनों के बीच में कोण निकालने का जो सूत्र होता है कॉस वाला, उस तरह का कुछ बन जाता है। यहां पर किसी रेखा पर कोई बिंदु अज्यूम कैसे किया जाए, बहुत शानदार पॉइंट है ये, मतलब बहुत शानदार पॉइंट है। मान लो कोई रेखा दे रखी है, ये एक रेखा है, इस पर ये पॉइंट पी हमें अज्यूम करना है। रेखा के समीकरण है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। तो रेखा पर स्थित बिंदु पी अज्यूम करने के लिए आपको यहां पर लैम्डा मानना पड़ेगा इसको, उसके बाद पहले वाले को लैम्डा के बराबर, दूसरे वाले को लैम्डा के बराबर, तीसरे वाले को लैम्डा के बराबर करोगे। मतलब x माइनस एक्स वन अपॉन में a भी लैम्डा के बराबर, y माइनस वाई वन अपॉन में b भी लैम्डा के बराबर, और z माइनस जेड वन अपॉन में c भी लैम्डा के ही बराबर। तीनों तो लैम्डा के ही बराबर है और रेखा का समीकरण ऐसा ही होता है, कार्तीय रूप में लिखा है मतलब। तो यहां से x कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूं तो a लैम्डा इधर, फिर x1 भी जाएगा, तो x1 प्लस a लैम्डा हो जाएगा ये, और y हो जाएगा y1 प्लस b लैम्डा, और z हो जाएगा यहां से z1 प्लस c लैम्डा। तो किसी भी रेखा पर बिंदु ऐसे अज्यूम करते हैं, p पॉइंट अगर अज्यूम करना होगा तो x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, और z1 प्लस c लैम्डा, ये बिंदु p के निर्देशांक आएंगे अगर कभी अज्यूम करना पड़े तो। इससे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं विविध प्रश्नावली में, हालांकि बाकी जगह नहीं है, विविध में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड अपने पास में, ठीक है। चलिए 5-7 मिनट में होने वाला है खत्म, प्रायिकता में 2-3 ही है भाई, 12वें चैप्टर में तो कोई सूत्र है नहीं, 12वां चैप्टर तो वैसे भी ग्राफ से रिलेटेड है, उसमें तो कोई सूत्र नहीं है। अब प्रायिकता के कुछ चुनिंदा सूत्र हैं हल्के फुल्के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है सहप्रतिबंध प्रायिकता। सहप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब है पी ए अपॉन में बी, और एक होता है पी ए अपॉन में पी बी अपॉन में ए। पी ए अपॉन बी का मतलब है बी घटना हो चुकी है, अब ए घटना के होने की क्या प्रायिकता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे वाला नीचे आ जाता है यहां पर, ठीक है। ऐसे सेम यहां पर है, ए घटना हो चुकी है, पी बी अपॉन ए का मतलब है ए घटना हो चुकी है, अब बी के होने की क्या प्रायिकता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर। इंटरसेक्शन में अब आप बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी हो तो एक ही बात है, नीचे वाला नीचे हो जाता है बस, यहां पी ए नीचे आएगा, यहां पी बी नीचे आएगा। तो ये दो ही सूत्र हैं और कुछ खास नहीं है सहप्रतिबंध प्रायिकता में, आपको याद आ गए होंगे। अभी रिसेंटली प्रायिकता का हमने वन शॉट ही किया है, कल की डेट में ही किया था। स्वतंत्र घटनाओं की अगर बात करें तो स्वतंत्र घटनाएं किन को बोलते हैं, ऐसी घटनाएं जिनका जैसे पी ए अपॉन बी है, बी हो चुकी है, अब ए होने की क्या प्रायिकता है, ए होने की प्रायिकता पे कोई फर्क ही ना पड़े तो उसको स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं। मतलब बी घटना के होने के बाद भी ए घटना के जो होने की प्रायिकता है वो नॉर्मल ए के होने की प्रायिकता के बराबर है तो उसको स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं। एक और फॉर्मूला बनता है इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के, एक ये सूत्र इसी से बनता है वैसे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, दोनों सूत्र ही याद रखना है, दोनों ही काम के हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही काम का है, दोनों काम के। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो बेज प्रमेय का एक सूत्र होता है। बेज प्रमेय का जो सूत्र है वो कुछ इस तरह का होता है कि अगर कोई घटना दी गई है, कोई घटना आपको दी गई है तो उसको ए मानते हैं, जो पूछा गया है उसको ई वन ई टू ई थ्री में से कुछ मानते हैं हम लोग। तो उस केस में मान लो पी ई वन अपॉन ए पूछा गया है आपसे कि ए घटना हो चुकी है, अब इवन के होने की क्या प्रायिकता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, पी इवन पी ए बाई इवन अपॉन में तीनों से रिलेटेड पी इवन पी ए बाई इवन
प्लस में पीई टू पी ए बाई ई टू और प्लस में पीई थ्री पी ए बाई ई थ्री। ठीक है, ये हमारे पास पीई वन अपॉन में ए आ जाएगा, ये सूत्र है। ई टू अपॉन ए लेना हो तो ई टू वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे का तो सेम ही है, नीचे का तो फिक्स ही है। ये जो नीचे वाला है इसी को बेसिकली हम लोग पी ए बोलते हैं, ये पूरा मिलकर के पी ए के बराबर होता है। अब यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन तो सिंपल सी कहानी है, प्रायिकता बंटन में कुछ खास नहीं है, प्रायिकता बंटन है x और px आप बना दो, इसी को प्रायिकता बंटन बोल देते हैं। माध्य किसको बोलते हैं, यादृच्छिक चर पता है ना आप लोगों को किसको बोला जाता है, कैपिटल x को यादृच्छिक चर बोलते हैं हम लोग। प्रायिकता बंटन का मतलब x और px की जो सारणी है वही प्रायिकता बंटन है और कुछ खास नहीं। माध्य क्या होता है, माध्य को प्रत्याशा भी बोलते हैं, प्रत्याशा भी बोलते हैं, इसको ई एक्स से भी लिखते हैं या फिर म्यू से भी लिखते हैं। इसका जो सूत्र है वो है ई एक्स बराबर एक्स इंटू पी एक्स का सम टोटल, ये सूत्र है माध्य निकालने का। रही बात प्रसरण की, प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर, उसका सूत्र होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रसरण का सूत्र है जहां पर ई एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू में पी एक्स का टोटल, ये ई एक्स स्क्वायर का सूत्र है। मतलब ई एक्स का जो सूत्र है वहीं एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया बस यहां और यहां, तो वो ई एक्स स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो ई एक्स स्क्वायर में से यही ई एक्स का होल स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, प्रसरण बन जाएगा। अब मैं अगर बात करूं प्रसरण के बाद अगर एक टॉपिक और होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, वो प्रसरण का ही अंडर रूट होता है और कुछ नहीं है, सिग्मा होता है, वो होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर का ही अंडर रूट और कुछ खास नहीं है वो। तो ये बहुत बेसिक से सूत्र हैं, जो सूत्र सूत्र हैं केवल वो लिख रहा हूँ मैं ताकि आपके सूत्र रिवाइज हो जाए। और एक लास्ट टॉपिक है पूरी बुक का, पूरी दोनों किताबों का, वो है द्विपद बंटन। द्विपद बंटन का सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर आर एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर में एन माइनस आर, जहां पर आर क्या है सफलताओं की संख्या, एन क्या है टोटल ट्रायल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितनी बार हम लोग सिक्का उछाल रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, कितने बार परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षणों की संख्या। पी है सफलता की प्रायिकता, क्यू हमेशा 1 माइनस पी होगा, बस यही चीजें हैं। और यहां से एन सी आर का सूत्र आप लोगों ने ग्यारहवीं क्लास में सीखा हुआ है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी मेन सूत्र तो ये है ही है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है अपने। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से फाइनली कंप्लीट हो गया है, दोनों किताबों के सारे सूत्र करवा दिए मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है, बस थोड़ा सा फास्ट लिया है, रिवीजन के हिसाब से लिया है कि भैया लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के दिन जाना है, एक दिन पहले भी देख लिया तो पूरा रिवाइज हो जाए, इस पर्पज से ही मैंने करवाया है, क्योंकि परसों बिहार बोर्ड के एग्जाम्स हैं ट्वेल्थ बोर्ड के, तो उनके लिए ही स्पेशली मैंने ये आज क्लास ली है, वरना मैं थोड़ा सा लेट ही लेने वाला था, लेकिन उनका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाए इस पर्पज़ से लिए हैं। अब आप में से जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आज के कमेंट तो स्पेशल तौर पर पढ़ूंगा, क्योंकि आज का बड़ा खास वीडियो था यार, पूरी किताब कवर हुई है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, जिन बच्चों को दोबारा देखना है वो निश्चिंत होकर के दो बार देख लो इसको, तीन बार देख लो, चार बार देख लो इसको, तो जितनी बार देखोगे उतना ही फायदा है आपका, कोई नुकसान वाली बात है नहीं, तो इसको रिपीट कर लेना पूरा का पूरा वीडियो, आप लोग कल अपने रिवीजन के तौर पे जरूर देख लेना सारे बच्चे, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। कॉपी में नोट करना है कॉपी में नोट कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी इसकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। आप में से कोई भी बच्चा अगर अग्नि बैच को ज्वाइन करना चाह रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोगों के, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, इसलिए 1 फरवरी तक ऑफर है, केवल 449 में सारी सब्जेक्ट्स मिल रही हैं, सारे नोट्स सारे वीडियोस सब कुछ मिल जाएगा। तो एंड मोमेंट पे इतना खर्च करके अगर अपन कुछ भी बेहतर कर सकें तो अच्छी बात है, तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या फिर लर्न एंड शेयर के जो नंबर हैं
96588 या फिर 78528 26325, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो। चार सब्जेक्ट्स मिलेंगी केवल 499 में, सब कुछ, सारे नोट्स, सारे वीडियोस, सब कुछ, तो अच्छा ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कमेंट का वेट करूंगा मैं आप लोगों के, भर भर के कमेंट आने चाहिए इस वीडियो में।